Subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Good evening, my dear friends. I'm Dheeraj and I welcome you all in the testbook.com and I'm here to provide you the best I have. So guys, once again, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके, right? So what you have to do just before starting the session, what you have to share the link of this video to your friends and family member, those who are looking for what? मॉडल क्वेश्चन पेपर गाइस, कल पेपर है, राइट? सो एग्जाम डेट काफी पास आ चुकी है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर वेरी सीरियसली. हाय हाय थॉर गेमिंग, मोस्ट वेलकम इन द सेशन. सो गाइस, प्लीज शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो टू योर सोशल मीडिया ग्रुप सो दैट द मैक्सिमम पीपल विल गेट बेनिफिटेड ऑफ इट, राइट? एंड गाइज, आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी लॉन्च आवर SSC JEE मैकेनिकल लाइव कोचिंग बैच. सो यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन द टेस्टबुक ऐप as well as in the website as well. So you can just explore the preview classes which is available free of cost. Okay? So guys, क्या आप तैयार हैं? So we'll wait for 2 minutes and then we'll start the session. Okay? Good evening. And what you have to do, as usual, सबने अपनी attendance mark की थी, that is a very good thing. Okay? And I appreciate that. Okay? So guys, today we are going to start a new paper set, right? आज हम लोग जो है एक नया मॉक टेस्ट, एक नया मॉडल पेपर लेकर आए आपके लिए, एंड इट इज क्वाइट बैलेंस, बहुत अच्छा रहेगा और इसको आपने बहुत सीरियसली देना है बच्चा, क्योंकि कल जो है एग्जाम है. सो प्लीज यूज टू हो जाओ एंड आई होप कि कल जो आपके पेपर्स हैं आप मचाओगे उसमें कल, राइट? ये सब नो अच्छे खासे क्वेश्चन लेकर आएंगे और अच्छे अच्छे खासे नंबर लेकर आएंगे, राइट? सो गाइज, ओके. एंड आज आपके लिए मैं दो चीजें करने वाला हूं सर. आज गप्पे मारते हैं, नो, वी कांट डू दैट. एक सेशन रखा जाएगा, डोंट वरी. हाँ, सो गाइज, एक पेपर सेट लेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू, एक पेपर सेशन फिनिश हो, जल्दी फिनिश कर देंगे एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर हाउ टू अटेम्प्ट द SSC JEE पेपर. SSC JEE पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा. ओके, सो आर यू रेडी, कैन वी स्टार्ट द सेशन? यस, प्लीज टेल मी. हाय उपेंद्र यादव जी, बिल्कुल आपका नाम ले लिया. गाइज प्लीज, एंड व्हाट यू हैव टू डू, जो अगर आप इंटरेस्टेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज टुडे इज ओके. हाय सर जी, वेरी गुड इवनिंग तृपति राव रेड्डी जी, दैट आई वांट टू टेल यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन SSC JEE मैकेनिकल लाइव कोचिंग, वंस अगेन आई विल शो यू, आप इंटरेस्टेड हैं तो देन यू हैव टू फिल द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म दिया हुआ है, प्लीज फिल दैट. ओके, सो दैट यू वट एवर द क्वेरी यू हैव दैट विल गेट रिजॉल्व. जो भी आपकी वो है क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, सर इसमें कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, आपके कुछ पर्सनल डाउट्स भी हो सकते हैं, सो यू कैन आस्क अस. ओके, डेफिनेटली जैसे आप फॉर्म भरते हैं, डेफिनेटली आवर काउंसलर विल गेट बैक टू यू इमीडिएटली आफ्टर दैट. ओके गाइज, सो स्टार्ट करें. सो चलो भाई स्टार्ट करते हैं. गाइज, डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन. डेफिनेटली आई रिमेंबर ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू. ओके, और अभी लंबा चलना है हम लोगों को, लंबा चलेंगे अभी. चलो बच्चा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर वन. माय डियर, क्वेश्चन नंबर वन इज हियर ऑन द स्क्रीन, दिस वन. सो यस, द वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PDV फॉर व्हाट, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, दैट यू हैव टू टेल मी. गाइज बी फास्ट, हाँ थोड़ा जल्दी बताएंगे ऑप्शन, राइट? सो दैट, हाँ जी बच्चा बोलो किसके लिए है ये, फॉर व्हाट इट इज. यस माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेल मी फॉर व्हाट इट इज. यस, सबने मार दिया वन. नो, गौरव दास गुप्ता जी, इट इज रॉन्ग. वेरी गुड थॉर गेमिंग, दैट इज नॉन फ्लो कॉजेस स्टैटिक. माय डियर, नॉन फ्लो कॉजेस स्टैटिक प्रोसेस में एप्लीकेबल है, यू नो दैट, दैट इज व्हाट इट इज फॉर व्हाट, क्लोज सिस्टम, एंड क्लोज सिस्टम इज व्हाट, नॉन फ्लो सिस्टम है ना, इसमें फ्लो किसका नहीं होता, मास का नहीं होता, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, फिक्स्ड मास सिस्टम, दैट इज नथिंग बट व्हाट माय डियर, कंट्रोल मास, नॉन फ्लो एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, क्वाजी स्टैटिक, यू नो दैट. Quasi static means what? Almost reversible. Quasi static, if supposed to be any process is quasi static, it means it is almost reversible. But somebody says, okay, reversible is quasi static. But quasi static is not reversible. Huh? ये पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल. एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक, प्लीज कीप इन माइंड, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. ओके, सो हियर वी गो, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी गुड डियर, वेरी गुड. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन. चले बच्चा, चलो दूसरे पे चलते हैं. Which of the following statement is incorrect? कौन सा गलत है? पूछ रहा है बार बार. हाँ जी बच्चा बोलो कौन सा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आंसर इसका बिल्कुल नहीं करूंगा. प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इट.
which one is incorrect, huh? Which one is incorrect? Chetan, most welcome in the session. But the option is wrong, my dear. Option is wrong. Why it is so? I'll tell you. See, if the mass changes, the value of extensive property will change. Definitely, for sure, mass change hoga, to extensive property change hoga. Right, it is right, but we have to choose wrong one, okay? If mass changes, value of intensive property will not change. Ye bhi right hai. Intensive property is what? Independent of mass. INT, bola tha INT trick. INT what? IND. Extensive matlab what? Extent of mass. I hope you got it. If mass changes, value of specific extensive, kya? Extensive. Specific extensive property. Specific extensive means what, bhai bachcha? Iska matlab hai intensive. Hai na? Per unit mass. Any property per unit mass is nothing but what? Intensive property, that you know that, right? So, ye bhi right hai. Basta kaun sa hai? Yehi, to yehi right option hoga hamara. That's it. This one. Yes or no? Aise choose karenge bachcha. Very good, very good. Each and everybody has answered correctly. Mohanish Sisodia, most welcome in the session. Tarun ji, Chetan ji, Sam, Tirupati Rao Reddy, Sai Ramesh, Sam. Bahut sare log hain. Upendra Yadav ji. Guys, it should be fourth one. I'll tell you that specific extensive property is nothing but an intensive property. Remember this. Jagdish Nisarge, most welcome dear. And please mark your attendance by hitting the like button. Do it fast. Okay, we'll go for the next one. Question number 3. A gas is compressed isothermally to half of its initial volume. Okay. The gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume again reduced to half. Then what? You have to tell me what it should be, guys. Please tell me. Question number three ka option. By dear, please tell me. What should be the option for it? Yes. Yes, please tell me. Yes, please tell me, guys. What should be the option for it? And somebody tells. Kon bol rahe hain? Bacche bol rahe hain? No. It's not 4. Bacche answer kyun nahi de rahe hain? Why? Please see. Compressing the gas isothermally will require more work to be done. No. Sabse kam lagta hai, toh galat ho gaya. Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done. Yes. Adiabatic mein jyada lagega. Kyun bachcha? Kyun? Dekho. Diagram bataya tha ye wala. See, simple diagram pe different question puch raha hai. Maine bataya tha ye ho gaya hamara isothermal wala. Ye ho gaya PV equal. Ye isothermal curve ho gayi. Ye hamari ho gayi polytropic. Aur ye kya ho gaya? Steep. Bahut steep ho gaya. To dekho area kitna aa gaya. Bahut zyada aaya na. किसमें आइडियाबैटिक में सबसे ज्यादा है तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. आई होप यू गॉट इट. यस और नो बच्चा बोलो. वेरी गुड. 2 इज करेक्ट साई रमेश. वेरी गुड डियर. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन. हियर क्वेश्चन नंबर 4. हीट इज क्लोजली रिलेटेड विथ. किसके साथ रिलेटेड है हीट? बोलो. सिंपल आंसर है बच्चा इसका. बोलो. हीट इज क्लोजली रिलेटेड टू हाँ एंट्रोपी एंथैल्पी एनर्जी टेम्परेचर. हाँ जी बच्चा बोलो. व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इट? यस क्लोजली रिलेटेड विथ. किसके साथ रिलेटेड है बच्चा बोलो. यस लेट मी चेक. ओके गाइज प्लीज फिल द फॉर्म फॉर द स्पेशल एसएससी जेई मैकेनिकल लाइव कोचिंग. ओके दुर्गेश थोरात से 333. नो बच्चा नो. अरे क्लोज रिलेटेड टू व्हाट माय डियर? ये नहीं पता है आपको. गाइज प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इट. Yes, it is related to what? It is related to what, my dear? Yes. So, I will say it is somehow related to what? It is related to, my dear, temperature. Ye kya hai? Energy in transit hai na? It is what? Energy in transit. Right? Arre bolo re bachcha. Energy in transit hai. It is related to temperature. Not energy, not entropy, not enthalpy. I hope you got it. Energy se toh bilkul related. Closely poochha hai, okay? What they have mentioned closely? Closely, बहुत ज्यादा. ओके आई होप यू गॉट इट. आई होप यू गॉट इट. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. सो हियर वी गो. क्वेश्चन नंबर 5. आइसेंट्रोपिक फ्लो इज व्हाट? सबको पता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो. बिल्कुल. क्वेश्चन ऑप्शन 2 इज करेक्ट. यस और नो बच्चा बोलो. अरे बोलो रे बच्चा बोलो. वेरी गुड. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. चले ओके आई विल गो फॉर द नेक्स्ट. आई गॉट इट. 6. अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्टेड गैसेस इन वॉल्यूम by 1273 of their original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade change in temperature. कौन सा लॉ है बच्चा? ये आया है एक आया है. कौन चाल है फंसाने की चाल है. तो कौन कर सकता है ऐसा? बच्चा बोलो. यस गाइस प्लीज बी फास्ट. हाँ इतना टाइम नहीं होगा वहां पे हमारे पास. गाइस प्लीज टेल मी. इट शुड बी नन अदर देन व्हाट? चार्ल्स लॉ. क्या है चार्ल्स लॉ? आई होप ये सबको पता है. इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट. वेरी गुड. Fill the form, okay? Mukesh Sharma, I got it. Now I'll go for the next one. Mukesh Sharma ji, most welcome in the session.
Vishal Hari, most welcome, dear. Now I'll go for the next ones. Here, question number 7. When a process undergo a complete cycle, then the change of entropy will be. Complete cycle mein jayegi, to kya hoga? Complete cycle mein entropy is what, my dear? Entropy is what? Yes, can you tell me option for it? Yes, guys, be fast. अरे साइकिल के लिए क्या होता है बच्चा? साइक्लिक डिवाइस के लिए जीरो. वेरी गुड, जीरो होगा, जीरो. आई होप यू गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 8. ए कैरनॉट हीट इंजन वर्किंग विथ एन एफिशिएंसी ऑफ 50% इफ द साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू हीट पंप आफ्टर द रिवर्सिंग देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. आपको बताया था 1 प्लस सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या? सॉरी, 1 प्लस सीओपी सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन. हीट इंजन दिया 50%, राइट ना? 50% दिया है, मतलब कितना? 0.5, राइट? 50% मतलब 0.5 दिया हुआ है, राइट? 0.5 मतलब हाउ मच? 2. तो सीओपी ऑफ हीट पंप विल बी 2 ना. अरे क्या होगा बच्चा? 1 अपॉन 0.5, दैट विल बी 2. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. आई होप यू गॉट इट. यस और नो बोलो सब. अरे वेरी गुड, सब ने बताया, दैट्स ग्रेट. ओके, दैट्स गुड. उपेंद्र यादव जी, नेक्स्ट. ओके, 9th वन. इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन टू बॉडीज रीच व्हाट, माय डियर? इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम रीच व्हेन टू बॉडीज आर सेम थर्मल एनर्जी, सेम एंट्रोपी, सेम टेम्परेचर. क्या होगा बच्चा? नंबर वन इज करेक्ट. यस सर, सब बोल रहे हैं यस सर. नंबर वन इज करेक्ट ना? जगदीश निसर्गे, यस, नंबर वन इज करेक्ट. मुकेश शर्मा जी, वेरी गुड डियर, वेरी गुड. मैं अपने फ्लो में बुलवाने की कोशिश कर रहा था. थर्मल एनर्जी नहीं होता बच्चा, टेम्परेचर होता है. ये गलती कभी मत करना. बच्चे गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में कि मेरे को आ रहा है. ओके, सो हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 10. ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स. क्यूब ऑफ इट्स व्हाट, माय डियर? टेम्परेचर. द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी फॉर गैस इज व्हाट, माय डियर? यस, टेल मी व्हाट इट शुड बी. सीपी बाय सीवी क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर. द रेशियो ऑफ इट्स सीपी बाय सीवी विल बी. यस माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इट? यस, प्लीज टेल मी. क्वेश्चन नंबर 9 और 10. नो, क्वेश्चन नंबर 10. यस गाइस, प्लीज टेल मी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा ऑप्शन? प्लीज टेल मी. गाइस प्लीज बी फास्ट. जल्दी करना थोड़ा सा. ओके, इट शुड बी 3/2. क्या होगा बच्चा? 3/2. आई होप यू गॉट इट. 3/2 होगा. क्या होगा? 3/2. अब ये कैसे होता है इसका वो है, सीधे मैथमेटिकली सॉल्व करने का पड़ेगा. 3/2 होता है. ओके, मैंने बताया था कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे एसएससी जेई के पेपर में जो कि आपको अटेंड नहीं करने, बिल्कुल छूना नहीं है उनको, बिल्कुल मत छूना, ध्यान रखना बच्चा. वेरी गुड, 4th वन. ओके, एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म. आई रिपीट वंस अगेन, सो दैट वी विल बी गेट इन टच एक दूसरे के साथ में. वट एवर द यू हैव क्वेरी, माइट भी अगर आपकी क्वेरी आपको लगता है कि नहीं हो रही है, आप में से भी बात कर सकते हैं उस टाइम पे. ओके, सो डोंट, बस उसके लिए फॉर्म भरना होगा. वट आई नीड, यू शुड हैव टू फिल द फॉर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है? हाँ जी बच्चा बोलो, 11वां स्टेटमेंट. गाइज कम ऑन, बी फास्ट, हाँ जल्दी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी. द स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर पर यूनिट एरिया, बिल्कुल गलत. द स्ट्रेन इज एक्सप्रेस इन एमएम, बिल्कुल गलत. हुक्स लॉ, बिकॉज स्ट्रेन का क्या होता है? कोई यूनिट नहीं होता ना, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होता है ना, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन. आई होप यू गॉट इट. हुक्स लॉ होल्ड्स गुड टू अ ब्रेकिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत. फिर होट हो गया ऑटोमेटिक, ये करेक्ट होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको. आई होप यू गॉट इट. देखो कैसे लगा रहा हूं, ऑप्शन वैसे ही चूज करना है बेटा. कमल ज्योति जी, मोस्ट वेलकम. Guys, please mark your attendance by hitting the like button. Do it. Okay, question number 12. A concentrated load P acts as a simply supported beam of span L at a distance L by 4 from the left end. The bending moment at the point of application. क्या बोल रहा है? Concentrated load P acts as a simply supported beam. ठीक है. Span length L, distance L by 4 from the left end. The bending moment at the point of application of load is given by. हाँ जी बच्चा बोलो क्या होगा? सब कुछ दिया है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हाँ जी. बोलो रे बच्चा बोलो. क्या होगा? देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. बोला है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक, ले लिया. लेफ्ट हैंड से कितना लेना है बच्चा? L बाय 4 लेना है कि नहीं लेना? यहां पे क्या लग रहा है? P लेना है ना. और इसका टोटल लेंथ क्या है बच्चा? L. बचेगा कितना? अरे बोलो, बचेगा कितना? ओके, सो क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? नाउ वी कैन आई राइट लाइक दिस. अगर इसको R1 मान लूं, इसको क्या मान लूं? R1, इसको R1, इसको R2,
सो क्या ऐसा लिख सकता हूं, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू पी, ये पहला हो गया इक्वेशन, राइट। दूसरा इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, आर टू इंटू एल, मोमेंट ले लेते हैं किस पे, आर वन पे, तो क्या आ जाएगा, आर टू इंटू एल आ जाएगा इज इक्वल टू क्या, पी इंटू एल बाय फोर, हाँ या ना, पी इंटू एल बाय फोर होगा कि नहीं होगा, यस और नो, ये एल एल गुजर जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर आर टू, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर आर टू ना, अरे होगा कि नहीं होगा बच्चा बोलो, या तो वेट आर टू इज इक्वल, या आर टू इज इक्वल टू पी बाय फोर, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आर टू इज इक्वल टू सर पी बाय फोर आ गया तो आर वन कितना आएगा बच्चा, आर वन कितना आएगा बोलो रे, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, थ्री पी बाय फोर आएगा अगर ये आ गया, सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट एट पी ना, सो क्या हो जाएगा, आर वन इंटू एल बाय फोर, मोमेंट एट पी इज इक्वल टू आर वन इंटू एल बाय फोर, इट शुड बी व्हाट माई डियर, आर वन कितना है आपका, थ्री पी बाय फोर, थ्री पी, थ्री पी एल बाय सिक्सटीन, राइट। यह है क्या ऑप्शन, ये देखो, आई होप यू गॉट इट, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है लास्ट में, ओके ओके गाइस, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सपोज टू बी, अगर आपको चीजें सपोज टू बी यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स इन पर्टिकुलर इन अ फर्स्ट इंप्रेशन, सपोज टू बी आप जैसे देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता लीव इट, बिकॉज टू आवर्स होंगे वहां पे, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे इनको सब हम लास्ट में करेंगे, ओके, बिकॉज जहां पे भी कैलकुलेशन है आपको लगता है कि लेंदी है, सिंपल कैलकुलेशन है तो आप करिए, अदरवाइज लीव इट, ओके, अदरवाइज क्या होगा, यू विल वेस्ट योर टाइम एंड यू विल ट्रैप, वहीं पे आप डंप हो जाएंगे सीधे सीधे, अगर आपने दो तीन मिनट खो दिए इधर उधर, आपके सीधे सीधे पांच से दस क्वेश्चन कम हो जाएंगे, एंड यू हैव टू फिनिश द टेक्निकल पेपर विद इन 30 to 35 minutes, दैट्स इट, 35 से 40 मिनट में पेपर फिनिश करना होगा आपको टेक्निकल का। ए बार हेल्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स विल बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस इफ इट इज क्या होगा, ए बार हेल्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स विल बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस इफ इट इज क्या होगा बच्चा बोलो, व्हाट शुड बी द थर्मल स्ट्रेसेस, क्या पूछ रहा है, थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इट, हाँ कूल्ड ना, अरे भैया क्या बोल रहा है, सपोर्ट्स विल बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस इफ इट इज कूल, अगर कूल करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, उसमें स्ट्रेसेस कौन से आएंगे, टेंसाइल, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, आई होप यू गॉट इट, दैट्स ग्रेट थिंग, वेरी गुड इच एंड एवरीबॉडी, वेरी गुड डियर, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फॉर बार ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स पी इज क्या होगा, गाइस प्लीज टेल मी व्हाट इट शुड बी, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के की बात कर रहा है, क्या होगा, ऑलरेडी वी हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था एंड दैट विल बी नथिंग, क्या होगा बच्चा बोलो, हाँ क्या होगा बोलो बच्चा, अरे क्या होगा, ए बाय एल, ए बाय एल होगा, अरे बोलो ए बाय एल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा, अरे डेल्टा हो जाएगा पी एल बाय ए, राइट, हमसे क्या पूछा है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मतलब के, के इज इक्वल टू होता है एफ बाय एक्स, राइट ना, अरे होता कि नहीं होता, अरे होता कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अब हमसे क्या, एफ क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी, अरे बोलो रे बच्चा बोलो, मतलब ये एफ मतलब पी बाय डेल्टा एल ना, अरे हाँ या ना बोलो, डेल्टा एल, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाय एल होगा कि नहीं होगा, आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट, ये अरे बच्चा ये पी आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, पी एल बाय ए आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा, पी पी गुजर जाएगा, ए बाय एल बचेगा कि नहीं बचेगा, डायरेक्ट मारा है मैंने, आई होप यू गॉट इट, नाउ गो टू द नेक्स्ट, 15th, द डिजाइन ऑफ थिल सिलेंड्रिकल शेल इज बेस्ड ऑन, जो डिजाइन है थिल सिलेंड्रिकल शेल्स का वो किस पे बेस है, दैट यू हैव टू टेल मी, व्हाट इट शुड बी, ए मार रहे हैं सब लोग, बोलो बच्चा क्या है, अरे थिन सिलेंड्रिकल शेल्स है मतलब प्रेशर वेसल्स, तो ऑब्वियस सी बात है डिजाइन हम किस पे बेस करेंगे, जहां पे स्ट्रेसेस मैक्सिमम लेके डिजाइन करेंगे ना, जो स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे उसको कंसीडर कर विल डिजाइन, कि हाँ जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ रहे हैं इनको बीट कर जाए, राइट ना, सो दैट शुड बी व्हाट, हुप स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं, आई होप यू गॉट इट, हुप स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं ना, आई होप यू गॉट इट, वेरी गुड, हुप स्ट्रेसेस सबने मारा, दैट्स ग्रेट, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, गाइस प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग योर लाइक बटन, ये कम नहीं होना चाहिए, ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट हियर, क्वेश्चन नंबर 16, इफ प्रिज्मेटिक बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा देन शियर स्ट्रेसेस इंड्यूस ऑन अ प्लेन इंक्लाइन एट थीटा विद द एक्सिस विल बी क्या होगा, प्रिज्मेटिक बार के बारे में बात हो रही है, मोस्ट वेलकम यस्टरडे, डेफिनेटली वी गो फॉर दैट, ओके साईं रमेश जी आप क्या बोल रहे हैं, आई डोंट नो, अभी कमेंट में ले भी नहीं रहा हूं, ओके हाँ जी प्लीज टेल मी व्हाट इट शुड बी, व्हाट इट शुड बी, अरे क्या होता है बच्चा, सिग्मा बाय टू साइन टू थीटा नहीं होता, अरे सिग्मा बाय टू साइन टू थीटा,
ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, यहां पे डिराइव नहीं करेंगे हम कि हाँ वो कैसा आता है, कैलकुलेट करें, डायग्राम ड्रॉ करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आई होप यू गॉट इट। 17th, व्हेन अ बार सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट्स डिफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार इज, व्हेन अ बार इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट्स डिफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार इज व्हाट, टेंसाइल कंप्रेसिव। वो फैलने की कोशिश करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वो फैलने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सपोर्ट लगे उसको रेजिस्ट करेंगे, स्ट्रेस कौन सा आएगा, कंप्रेसिव ना। अरे बोलो रे बच्चा, बोलो 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 बोलो, कंप्रेसिव आएगा ना, सिंपल है, कंप्रेसिव आएगा। आई होप यू गॉट इट। हाँ देखें किसने आंसर किया, बहुत लोगों ने, बहुत बहुत लोगों ने किया। ओके मुकेश शर्मा जी, मैंने कल बोला था, लेकिन मैंने बोला ये बताया था कि फेल्यूअर होगा राइट ना, बट मैक्सिमम कौन सा होता है, हूप स्ट्रेसेस। शक्ति सिंह जी वेरी गुड, वो अलग क्वेश्चन था मुकेश शर्मा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस क्वेश्चन को देखिए, पीडीएफ फाइल आपके पास अवेलेबल है। ए सिलेंड्रिकल इलास्टिक बॉडी सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्शन अबाउट इट्स एक्सिस डेवलप्स, क्या डेवलप करेगा वो अगर आप प्योर टॉर्शन को जाता है अबाउट इट्स एक्सिस, तो व्हाट इट शुड डेवलप, क्या आएगा उस पर, कौन सा स्ट्रेसेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस इन अ 45 एट अ डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री, यस और नो प्लीज टेल मी। बच्चा बोलो, बोलो रे बच्चा, व्हाट इट शुड बी, यही होगा जो मैं बोल रहा हूं बार बार, टेंसाइल स्ट्रेस आएंगे उस पे, कितने पे, 45 डिग्री टू द एक्सिस। आई होप यू गॉट इट, यस और नो, एवरीबडी हैव आंसर। ओके ओके, आई हैव एवरीबडी आंसर, 1 1 1, अर्जुन महेश ओनली आंसर 1, एंड गिरजा सिंह जी मोस्ट वेलकम इन द सेशन, एंड गाइस प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, डू इट, नो सैम इट्स नॉट टू बी शुड बी शी, सी कैसे होगा, गाइस प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग अ लाइक बटन। ओके आई विल गो नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर पॉइजनस रेशियो 0.2 इज, आपको म्यू दिया है और आपसे पूछा क्या है बच्चा, आपसे पूछा क्या है, ई बाय जी पूछा है ना, क्या पूछा है, ई बाय जी, व्हाट इट शुड बी, हाँ बच्चा बोलो क्या होगा, आपसे ई बाय के पूछा है, बल्क मॉडुलस पूछा है, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी नहीं पूछा है, सो आपको पता है व्हाट इट शुड बी, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, थ्राइस के 1 - 2 में होता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यहां से आपको ई बाय के फाइंड आउट करना है, एवरीथिंग इज नोन, टेल मी द ई बाय के, एंड ई बाय के का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, 1.8 आएगा, 1.8 मीन्स व्हाट, 9/5 ना, 5 × 5 = 4, हाँ 5 × 8 = 40, थर्ड वन, आई होप यू गॉट इट, यस और नो, वेरी गुड, नो, थर्ड वन, शिवम चंदन, वेरी गुड, शिवानी भरद्वाज थर्ड, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, ओके गाइस प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, ईच एंड एवरीबॉडी इज आंसरिंग करेक्टली, दैट्स ग्रेट, मुकेश राठौर मोस्ट वेलकम, गाइस दोज हु आर न्यू प्लीज लाइक इट, ओके अपनी अटेंडेंस मार्क करना नहीं भूलना है आपको, ओके नाउ वी गो फॉर द 20th, इन केस ऑफ बायएक्सियल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन 45 डिग्री प्लेन इज इक्वल टू, ध्यान से सोचना कौन सा स्टेट बोला है, बायएक्सियल मतलब दो डायरेक्शन, ये देखो यहां पे बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन बोली है उसने, एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस रिमेंबर, हाँ तो कौन सा होगा, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस डिफरेंस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस, कल ऐसा क्वेश्चन सेम करवाया था, ओके गाइस प्लीज फिल द फॉर्म एज वेल, ओके हाँ बताओ बच्चा, कल ऐसा सेम क्वेश्चन कराया था राइट, एंड मैंने बताया भी था आपको, क्या बताया था गाइस प्लीज टेल मी, मैंने बताया था समेशन, वहां पे यहां पे क्या पूछा है उसने, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन 45 डिग्री प्लेन, मैंने मैक्सिमम वाला बताया था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ द नॉर्मल हाफ ऑफ द सम ऑफ द नॉर्मल स्टेट, दैट इज व्हाट, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, आई होप यू गॉट इट, ये पता होगा, आई होप यू गॉट इट, यस और नो, थर्ड वन इज करेक्ट माय डियर, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, पाप नहीं करना है गलत करके क्वेश्चन, विच मटेरियल हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजनस रेशियो, बताओ बच्चा इसमें से किसको है, बताओ तो, आप सबको पता है, आई नो दैट, एंड इट इज नन अदर देन, सब लोग सोचेंगे जो पढ़ के नहीं आए होंगे ना वो सोच, वो देखो धीरे धीरे, अभी शर्मा जी बोल रहे हैं सर फास्ट हो रहा है कि आवाज ज्यादा है, फास्ट, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, सबने आंसर करा है कि सर इलास्टिक रबर, वेरी गुड, और जो पढ़ के नहीं आया होगा वो सोचेगा इलास्टिक रबर हो ही नहीं सकता, इलास्टिक रबर ही आंसर है इसका। 22, व्हेन अ कास्ट आयरन स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट then the percentage reduction in area will be equal to, yes or no please tell me, guys please tell me what it should be, when iron specimen is subjected to a tensile test then percentage reduction in area will be equal to, aapko ye testing se related hai aur kahan milega, material science mein milega ye topic, haan ji bachcha bol do option kya hai iska, 22, yaad rakhna kya 0%, I hope you got it,
Okay, very good. 0-0. Girija Singh, very good. वेरी गुड. ओके शक्ति सिंह जी, थैंक यू शक्ति. बिल्कुल जैसे आप शक्ति सिंह है वैसे हमारी आवाज में भी शक्ति लग रही है. ओके शक्ति सिंह, मोस्ट वेलकम इन द सेशन. हा एंड प्लीज लाइक मार्क योर अटेंडेंस. ओके नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन. हियर गाइस वी गो फॉर द 23 एंड दैट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज. बार बार ये क्वेश्चन आता है बार बार और हम इसका बार बार आंसर सही करते हैं, है ना. बोलो बच्चा इस बार भी बोलो इसका आंसर क्या होगा. फिर से एक बार सही बता दो क्या होगा. परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज दैट इज व्हाट. आपको पता है आपको मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील मतलब जनरल पूछ रहा है मतलब हाई से लेके लो तक का रेंज बताना होगा. सॉरी लो से हाई तक का रेंज बताना है एंड दैट इज नन अदर देन दिस वन. आई होप यू गॉट इट. हाय आना. वेरी गुड वेरी गुड. बाला सुब्रमण्यम. ओके शकीफ फैजल. गाइज इच एंड एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम इन द सेशन. शिवम चंदन एवरीबडी. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. 24 इफ आर इज अ क्या चिप थिकनेस रेशियो अल्फा इज अ रेक एंगल देन द शियर एंगल फाइ इज एक्सप्रेस एज. यस प्लीज टेल मी. आपको फाइ पूछ रहा है. फाइ मतलब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना टैन फाइ इज इक्वल टू क्या पढ़ा है बच्चा क्या पढ़ा है आर कॉस अल्फा. आर कॉस अल्फा क्या पढ़ा है टैन फाइ इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस आर साइन अल्फा. ये पढ़ा है ना तो मतलब फाइ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टैन इनवर्स. दैट इज ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट. आई होप यू गॉट इट. यस नो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. गाइज डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस. वेरी गुड. नाउ सी 25 इफ द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड. क्या प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज नोन एज. माई डियर ट्रूइंग ड्रेसिंग फेसिंग और क्लियरिंग. आपको याद होना चाहिए क्या करेंगे बच्चा जब कट हो जाएगा. जब आपको कट लगता है तो आप क्या करते हैं. जब आपको कहीं कट लग जाता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं. अरे बच्चा हमारी फर्स्ट ड्रेसिंग कर दो फर्स्ट एड कर दो. फर्स्ट एड तो खुद करते हैं ड्रेसिंग करवा दो. ड्रेसिंग चेंज करवाने जाते हैं बस जो ड्रेसिंग आप करते हैं तो अगर ग्राइंडिंग व्हील को भी दर्द होगा तो वो भी क्या करेगा बच्चा क्या ड्रेसिंग करेगा. दैट्स ग्रेट. सब आंसर करेक्ट कर रहे हैं. बहुत सही. सब सही जा रहे हैं आप. बिल्कुल सही शक्ति सिंह जी. वेरी गुड कार्तिक. वेरी गुड. मोस्ट वेलकम इन द सेशन. ओके सैम. ओके. अभी कमेंट नहीं ले सकते बहुत लोग हैं. द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग इज देखो रिपीटेड है और फिर से इसका आंसर हम क्या करेंगे रिपीटेडली करेक्ट करेंगे. बोलो आंसर क्या है इसका. नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं हम लोग. व्हाट इज पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग. बोलो रे बच्चा बोलो. अरे ये ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट करते हैं. बिल्कुल रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे रिमूवल ऑफ स्ट्रेन कॉज्ड बाय कोल्ड वर्किंग ये भी होता है. ओके रिमूवल ऑफ डिसलोकेशन इन इंटरवल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू क्या बच्चा ड्यू टू हॉट वर्किंग ये भी करते हैं. तो बचता क्या है मतलब ये तीनों करते हैं तो भैया ऑल ऑफ द अबव लगाओ ना. ऑप्शन नंबर 4 मारो. वेरी गुड. देखो नॉर्मलाइजिंग पे मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें ये दो टॉपिक नहीं कवर थे ये भी कवर कर दिए इसमें. इसलिए जानबूझ के नॉर्मलाइजिंग पे क्वेश्चन डाला. आई होप यू गॉट इट. महेश चिन्ना जी फ्रॉम टुमारो द फेस्टिवल ऑफ एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एंड इट विल एंड ऑन 30th. 27 से 30 के बीच एग्जाम हो रहा है. ओके आई होप यू गॉट इट. चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. चले बच्चा विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. इन लिमिट्स एंड फिट सिस्टम बेसिक शाफ्ट इज अ सिस्टम इन वन वुस. बेसिक शाफ्ट सिस्टम में क्या होता है वो आपको बताना है. हाँ इन लिमिट्स एंड फिट टॉलरेंसेस में पढ़ो ना. आई होप यू गॉट इट. यस और नो बट बोलो. व्हाट इट शुड बी 27. व्हाट इट शुड बी. बेसिक शाफ्ट सिस्टम में क्या होता है बच्चा. इट शुड बी नन अदर देन अपर डिवीजन 0 होता है. अपर डिवीजन क्या होता है 0 क्योंकि उसमें जो मिनिमल लिमिट होती है वो ऊपर वाली होती है. आई होप यू गॉट इट. डिटेल में समझाएंगे फिर कभी. वेरी गुड. अपर डिवीजन इज 0 सबने मारा. दैट्स ग्रेट. सरद सीएलटी मोस्ट वेलकम इन द सेशन. रोहित चौरा ओके. आशीष बेहरा ओहो सब मार रहे हैं. दैट्स ग्रेट. देवाशीष बारिक मोस्ट वेलकम इन द सेशन. गाइज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. आई रिपीट 28 द टूल लाइफ इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. टूल लाइफ किससे अफेक्ट होती है बच्चा बताना है. बिल्कुल बनाना है. अरे कटिंग स्पीड से भी होती डेप्थ ऑफ कट से भी होती फीड से भी होती. तो ऑप्शन क्या 4th. यस और नो. बोलो रे बच्चा. अरे बोलो. हाँ या ना. बिल्कुल होता है. ओके आई होप यू गॉट इट. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. 29 क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम. पहले ही बताया था कि अगर कुछ जाने पहचाने आएंगे तो क्या मारना है बच्चा. उस वो ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी आपको. मैंने बोला जाने पहचाने अगर आइटम आ जाए तो सीधे मार देना एफएससीसी. हो गया मार दो एफएससीसी आंसर राइट है.
बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था, जस्ट जो दिखा मारो मारो मारो। रितिका सिंह जी मोस्ट वेलकम इन द सेशन। जो दिखा मतलब ट्रिक के साथ मारना है, ओके? सब ट्रिक्स बताई हैं आपको, राइट ना? विल गो फॉर द नेक्स्ट 30th क्वेश्चन। Which of the following statement is not true for diamond? याद रखिएगा, जो है ना SSC JEE maximum पूछता है incorrect बताओ, गलत चीज बताओ। उन लोगों को गलत चीज ज्यादा पसंद है तो गलत ही चीज पूछते हैं हमेशा, और आप लोग सही मार के आते हो, और सही मार के आते हो तो नंबर जीरो मिलते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन बेटा, कल सुबह 9 बजे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, दिमाग को ठंडा रखना है। What should be the answer of it? पहले ये बताओ। हाँ, 30 का क्वेश्चन क्या, 30 का आंसर विल बी, माई डियर प्लीज टेल मी, 30 का ऑप्शन विल बी यस करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा ये बताना है। दैट मीन्स इट इज हार्डेस्ट नोन मटेरियल विच डायमंड। तो हमको क्या बताना है, ये तो हार्डेस्ट है तो पता ही, तो ट्रू है, नहीं मारना। डायमंड इज नॉन मेटालिक, बिल्कुल नॉन मेटालिक है, ट्रू है हमें, लेकिन रॉन्ग सिलेक्ट करना है। इट इज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है ना। तो बच्चा इट हैज अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ना ये गलत है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो हमें गलत वाला मार दिया कि नहीं मार दिया। वेरी गुड इच एंड एवरी आंसर, ग्रेट ग्रेट, बहुत सही बच्चा। निगत मुश्ताक जी मोस्ट वेलकम इन द सेशन, सौरभ बूढ़े, बहुत सारे लोग हैं। ओके, नवीन प्रधान, वेरी गुड। नाइल गो फॉर द नेक्स्ट। हियर 31 द पर्पज ऑफ रीमिंग। रीमिंग का पर्पज क्या होता है बच्चा, बताओ जरा। रीमिंग का पर्पज बताना है हमें, क्यों करते हैं रीमिंग? अरे क्या करते हैं, जब आपने होल कर दिया तो होल को अच्छे से चमकाना पड़ेगा, उसका फिनिशिंग अच्छा हो, तो क्या करेंगे, इंप्रूव द फिनिश ऑफ द होल। थर्ड वन, वेरी गुड, आई होप यू गॉट इट। यस और नो। घर में आता है ना एक वो ड्रिल मशीन लेके इलेक्ट्रिकल वाला, पहले हल्का सा मार्क करता है और बाद में फिर करता है, जो बाद में कर रहा है ना ड्रिलिंग, वो क्या है बच्चा, रीमिंग है वो क्या है, रीमिंग है। आई होप यू गॉट इट, क्या है वो, रीमिंग है। वेरी गुड, नाइल गो फॉर द नेक्स्ट वन। गाइस प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, डू इट। किरण राजू जी मोस्ट वेलकम इन द सेशन। हियर 32 पावर क्या, पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू कैरियज थ्रू, क्या किसके थ्रू होता है। अब इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें पूछा था कैरियज के बारे में, अब यहां सब चीजें दी थी, और जो क्वेश्चन था पिछले वाले मॉडल क्वेश्चन में वो यहां पे आंसर है। टेल मी व्हाट इट शुड बी। 32 यस गाइस प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। अरे बच्चा बताया नहीं था हाफ नट के बारे में, हाफ नट, वेरी गुड। सकीब फैजल वेरी गुड, डियर सूर्य कुमार, गिरिजा सिंह अभी, फोर शक्ति सिंह जी, फोर स्वरूप राठौर, हाफ नट, वेरी गुड डियर। रोहित चौरा वेरी गुड, हाफ नट मार रहे हैं। किरण राजू वेरी गुड डियर। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, द साइज ऑफ बिल्ट अप एज इन मेटल कटिंग इंक्रीजेस विद, किसके साथ इंक्रीज होगा बच्चा, बोलो। बिल्ट अप एज के बारे में बताया था, बिल्ट अप एज के बारे में बताया था ना, हाँ। उसका साइज कब बढ़ेगा, जब लार्ज अनकट चिप थिकनेस होगा, राइट ना, यस और नो। 2 2 2 2 2 4 नहीं होगा। रवि सिन्हा जी मोस्ट वेलकम इन द सेशन। रवि शरद कुमार जी मोस्ट वेलकम। गाइस डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस। रितिका सिंह इट्स 2, वेरी गुड रितिका। लोकेंद्र सब मार रहे हैं, बिल्कुल सही मार रहे हैं सब बच्चे, वेरी गुड, सब कॉन्फिडेंट है, सब सिलेक्शन होंगे। अनुष्का पांडे, बड़ा टफ कंपटीशन होगा इस बार SSC JEE में, क्योंकि सब आंसर करेक्ट कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है, और उस टाइम पे क्या दे दिया था, उस टाइम पे बोला था एक प्लेनर दे दिया था, बोला था बताओ टूलिंग कटिंग टूल का वो क्या, सिंगल पॉइंट होगा मल्टी पॉइंट, यहाँ पे उल्टा पूछा है, राइट। तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा, हाँ प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इट। 34 यस और नो। तो मैं आपको बता दूं क्या है बच्चा, ये पार्टिंग टूल है, क्या है, पार्टिंग टूल। आई होप यू गॉट इट, पाप नहीं करना, गलत करके पाप मत करना। वेरी गुड गिरिजा सिंह, सबने मारा, वेरी गुड। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, 35 इन 3-2-1 प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्चर डिजाइन, 3 रेफर्स टू नंबर ऑफ, किसके लिए रेफर है, 3 किसके लिए रेफर है, सबको पता है, बताओ जल्दी से, हाँ पाप पड़ेगा अगर किसी ने भी गलत दिया इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो। क्या होता है, 3-2-1 लोकेटर्स होते हैं ना बच्चा, लोकेटर्स, वेरी गुड, सेकंड वन इज करेक्ट, वेरी गुड, सब मार रहे हैं। ना ना, इट इज नॉट 3 साई रमेश, शश्मिता परिदा, इट्स नॉट 4 पल्ले, यशवंत कुमार जी 2 वेरी गुड, साई पवन अजय केंद्र, वेरी गुड डियर, ना 3 नहीं होगा 2 होगा, वेरी गुड। स्वर्णदीप राठौर सब मार रहे हैं, रोहित चौरा गिरजा सब ने मारा है, वेरी गुड। गुलशन गेमिंग मोस्ट वेलकम इन द सेशन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा गुलशन जी। शिलक गेमिंग नहीं, वो 2, वेरी गुड शिलक गेमिंग, वेरी गुड डियर। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, हियर नोज रेडियस हाँ, नाक वाला रेडियस है ना, नोज रेडियस, इसका आंसर अगर सही नहीं किया तो नाक बचेगी नहीं बच्चा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। नोज रेडियस इज एक्सप्रेसिंग, किसमें एक्सप्रेस करते हैं, नाक बचाओ अपनी, बोलो। अरे बोलो रे बच्चा, एमएम में करेंगे ना, एमएम में रेडियन में कैसे होगा, ये डिग्री में तो एंगल होगा, रेडियन में भी, स्टेरेडियन में भी क्या होगा, सॉलिड एंगल करते हैं स्टेरेडियन में। आई होप यू गॉट इट।
किसने एमएम में होगा, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। आई होप यू गॉट इट, सबने मारा है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन गाइस, डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग ऑन द लाइक बटन, डू इट। ओके चलो चलो चलो, 37 इन आर्क वेल्डिंग, कौन सा वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। आईज, आईज नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, आईज नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट करते हैं हम, आईज को प्रोटेक्ट करते हैं बाय वियरिंग अ गॉगल। बोलो बच्चा, हाँ बोलो 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 बोलो, नाक तो बच गई, अब आंख बचा लो। अरे बोलो, अरे बोलो रे बच्चा बोलो, इंफ्रारेड नहीं निकलती उससे, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड आंखों में आंसू लाती हैं, राइट ना, राइट। ओके वेरी गुड, अनुष्का पांडे जी मोस्ट वेलकम इन द सेशन, किरण राजू सब मार रहे हैं, वेरी गुड गियर। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, अभी चलते हैं आगे, आगे चले अभी, चलो 38, आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हार्डनेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हाइल अंडरगोइंग अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। गाइस प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ फॉर इट। हाँ जी 39, 38 है, सॉरी व्हाट इट शुड बी, व्हाट इट शुड बी, बताया भी था इसका आंसर, बताया भी था एक बार, मेरे को लगता है आधे अधूरे का है ना। तो मैं आपको बता दूं, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है ये, आई होप सम पीपल हैव आंसर, वेरी गुड सैम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देवाशेष गिरजा, वेरी गुड बोथ बोथ देवाश, वेरी गुड शिवांगी भरद्वाज ने भी सबने मारा है, दैट इज नन अदर देन, नन अदर देन माय डियर स्पेरेडोराइट, कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, मार्टेनसाइट, ये वो ऑप्शन होंगे चार। आई होप यू गॉट इट, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, चलें अभी आगे, आगे चले बच्चा, सो हियर वी गो 40, सो 39 पे आ गया बच्चा, इट इज नन अदर देन, नन अदर देन इलेक्ट्रोड यूज इन टिग वेल्डिंग। इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, नॉन कंज्यूमेबल कंज्यूमेबल, हाँ जी बच्चा बोलो, 39, what it should be, electrode used in TIG, TIG में कौन सा, that is tungsten inert gas welding, what it should be, अरे tungsten नाम indicate कर रहा है तो क्या use करोगे, टांग थोड़ी खींचोगे, tungsten ही तो लगाओगे, हाँ या ना, बोलो लगाओगे कि नहीं लगाओगे, very good, very good, very good, very good, very good, tungsten, सभी ने मारा। 40, what is symbol is used to indicate surface roughness, बताओ बच्चा surface roughness के लिए कौन सा indicate होता है, तो सरफेस रफनेस है, बहुत ही तिकड़मी है, तिकड़मी चीज है, तो क्या यूज करोगे तिकड़मी चीज के लिए बच्चा, बोलो तिकड़मी चीज के लिए क्या यूज करोगे, अरे सबको यूज करेगा, क्या क्या यूज करेगा बच्चा, सबको क्या यूज करेगा, क्या यूज करेगा बोलो, ये चीज ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, आई होप यू गॉट इट, यस नो, थर्ड ऋषिकेश गुज्जर, वेरी गुड डियर, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, चले प्लीज गाइज, डू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फिल द फॉर्म ऑफ एसएससी जेई लाइव कोचिंग। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्यूल आर, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बताओ बच्चा इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। 41, किसको पाप पड़ रहा है, देखें तो पाप किसको पड़ रहा है इस बार, पाप किसी को नहीं पड़ना चाहिए बच्चा, बोलो कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है ना, भर भर के कार्बन एंड हाइड्रोजन है ना, हाँ है कि नहीं, अरे फोर्थ अंडर, वेरी गुड शक्ति सिंह जी, फोर्थ होगा, फोर्थ, आई होप यू गॉट इट। ओके डियर, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, चले 42, ऑक्टेन नंबर ऑफ नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस जो होती है उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है ये बताना है आपको 42 में, हाँ जी नेचुरल गैसेस जो होंगी उसका ऑक्टेन नंबर काफी हाई होगा, एंड दैट इज नन अदर देन मोर देन 100। आई होप यू गॉट इट, यस और नो बच्चा बोलो, वेरी गुड, एंड कितना होता है अराउंड होता कितना, ये भी तो पूछ लो, नहीं पूछोगे, अरे एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखना, नेचुरल गैस का जो ऑक्टेन नंबर होगा 110 होता है, ठीक है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट, 43, टू स्ट्रोक इंजन आर यूज मोर फ्रीक्वेंटली इन टू व्हीलर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, टू स्ट्रोक इंजन ही क्यों यूज करते हैं टू व्हीलर में, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, कैन यू टेल मी, हाँ वेरी गुड, इच एंड एवरीबडी आंसर, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। नाउ गो फॉर द 42, हाँ जी बच्चा बोलो इसका ऑप्शन क्या होगा, व्हाट इट शुड बी आंसर क्या होगा, अरे बच्चा हायर पावर टू वेट रेशियो, मतलब पावर बाय जो वेट होता है ये क्या, ये जो रेशियो होता है इसका वैल्यू हाई होता है, हाई होता मतलब जो उसी कम वेट में ज्यादा पावर मिल रही होगी, पावर ज्यादा होगा तभी तो ये हाई होगा, तो दैट मीन्स थर्ड वन, आई होप यू गॉट इट, यस नो, थर्ड, वेरी गुड, थर्ड आ रहा है ना, 43 गाइज, ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, अर्पित द्विवेदी जी मोस्ट वेलकम इन द सेशन, अर्पित, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, शश्मिता परिदा, वेरी गुड डियर, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, हियर 44, द एयर स्टैंडर्ड ऑटोसाइकिल कंसिस्ट ऑफ, सबको पता है, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, राइट, दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दो आइसेंट्रॉपिक, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज नथिंग बट वॉट माई डियर, आइसेंट्रॉपिक, नंबर वन, आप भी नंबर वन, हाया ना, बोलो बच्चा, बट वी डू नॉट यूज टू स्ट्रोक इन टू व्हीलर्स नाउ,
हाँ बिल्कुल नहीं करते हैं, ये बात सही है। पहले जो चेतक का स्कूटर वगैरह आता था उसमें यूज करते थे बच्चा, तो रीजन ये था उसके पीछे। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, इस बार एसएससी वाले सही वाला स्टेटमेंट जानना चाह रहे हैं। बोलो कौन सा होगा करेक्ट, रीड करो स्टेटमेंट्स को गाइस, डू इट फास्ट, जल्दी करना थोड़ा सा। 45 आंसर, 45 का आंसर माय डियर, प्लीज टेल मी क्या बोल रहा है। रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल होनी चाहिए, एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, यही पहला ही सही है। लो फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए, अगर समझ लो अगर 10 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है, हम इससे भी कम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं -10, इससे भी कम चाह रहे हैं -20 चाह रहे हैं, जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा, उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट हम ले पाएंगे, हाँ या ना, बोलो। बिल्कुल सही है। थर्मल कंडक्टिविटी क्यों, थर्मल कंडक्टिविटी हाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है Q is equal to क्या होता है, K into dT/dx होता है, फोरियर लॉ में हीट ट्रांसफर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, माइनस के मतलब Q is directly proportional to K, मतलब हीट ट्रांसफर जितना जाएगा बाहर वो डायरेक्टली K के बराबर होगा, मतलब K अगर हाई हुआ तो ज्यादा से ज्यादा हीट रिमूव होगा, कहां से, कंडीशन स्पेस से। आई होप यू गॉट इट नाउ, हां या ना, बोलो बच्चा, बोलो। वेरी गुड, नाइल गो फॉर द नेक्स्ट वन। हियर 46, सुपर हीटिंग इन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज व्हाट माय डियर, इंक्रीज सीओपी, इंक्रीज करेगा सीओपी को, हां या ना, डिक्रीज सीओपी, डज नॉट अल्टर सीओपी, सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज, व्हाट इट शुड बी 46, हां या ना, बोलो बच्चा, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, समटाइम्स इंक्रीज भी करेगा, समटाइम्स डिक्रीज भी करेगा, यस और नो। अगर आरएससी मुझसे पढ़ा है तो मैंने बताया है, आशुतोष पांडे जी, वेरी गुड, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, फोर्थ वन इज करेक्ट, डिपेंडिंग ऑन रेफ्रिजरेटर, वेरी गुड प्रनील शिवाजी, वेरी गुड डियर, फोर्थ वन इज करेक्ट। कैरनॉट साइकिल रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन, रेफ्रिजरेटर साइकिल है 250-300 केल्विन, इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मार दो भैया 250/300-250, कल सेम न्यूमेरिकल किया था, 5 आ जाएगा, यस और नो। चलूं आगे, इसको सॉल्व करने में क्या, 100% रिलेटेड ह्यूमिडिटी वेट ब्लड टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, मैंने बताया था 100% ह्यूमिडिटी रही तो वेट बल्ब डिप्रेशन, दैट इज DBT-WBT इज इक्वल टू 0, ऐसा कब पॉसिबल है, जब DBT इक्वल टू क्या हो, WBT, उठा लो ऑप्शन जो हो, इक्वल टू एम्बियंट, मोर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सेम एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, लेस देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इट, गाइज बी फास्ट, थोड़ा सा जल्दी बताओ क्या होगा ऑप्शन इसका, हाँ क्या होगा, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 100% है तो वेट ब्लड डिप्रेशन ये हो जाएगा, एंड ये तो होगा ही, डीबीटी और डब्ल्यूबीटी के बराबर होगा, और साथ में क्या होगा, जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है 100%, तो उस टाइम पे ये इक्वल किसके हो जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के भी इक्वल होगा जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होना मतलब क्या, उसमें मॉइस्चर कंटेंट फुल कैपेसिटी में हो चुका है, दैट इज राइट, सो सेम एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एज वेल। आई होप यू गॉट इट, यस और नो, नंबर टू लगाया सबने, लगाया, वेरी गुड। अभिष शर्मा जी, मोस्ट वेलकम, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, गाइस डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, डू इट, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट इज यूज फॉर, हाँ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट किस लिए यूज करते हैं बच्चा, बताओ जरा, गियर से क्वेश्चन आया, टॉम से, बढ़िया से चिपका दो इसको, चिपकाओ तो जरा, चिपकाओ, अरे रैक एंड पिनियन, रैक गोल गोल घूमे, पिनियन क्या दे, रोटरी टू लिनियर मोशन ना दे, बिल्कुल दे, आया ना, वेरी गुड, फोर्थ मारा है सबने, गुलशन गेमिंग, दुर्गेश शिव, देन शिवाई कुमार, सब मार रहे हैं, वेरी गुड, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, सी 50, द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉय इन अ क्लॉक इज, The gear train which is employed in a clock is क्या होता है, बताओ बच्चा, reverted, कल भी सुना था, sun planet, simple gear train, reverted gear train, कौन सा होता है, yes tell me, 50 का question, बोलो बच्चा, अरे बोलो, reverted gear train होता है ना, होता है कि नहीं होता, gear train usually employed in clocks is, reverted gear train, I hope you got it, yes or no, सबने मारा option, very good, guys, आरती गुप्ता जी, most welcome, RK Venkat, oh, 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 very good evening, शिवा कुमार, अभय, very good, now guys, I want to tell you, that अगर आप analyze करना चाहते हैं, कल का exam तो अच्छे से देंगे ही हम, but you have, we have offer for you, and that offer is none other than what my dear, this one, that is deal of the month, in which you, there is a chance to win what, one lucky winner every day, क्या, हर दिन, क्या जीन रहा है, iPhone 12, अगर आपका मोबाइल अच्छा नहीं है, आप क्लासेस अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो iPhone 12 क्या है, आपके लिए बेटर ऑप्शन है, एंड ये सिर्फ पास आपको मिलेगा 299 रुपीज में, एंड व्हाट एक्स्ट्रा यू आर गेटिंग इन दिस, दैट विल जस्ट प्लीज सी दिस वीडियो, वन पास फॉर 100+ गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसमें आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा कोर्सेज, 3500+ मॉक टेस्ट,
500 से भी ज्यादा PDF स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 149। सो 149 रुपीज में क्या मिलेगा आज की दुनिया में? कुछ नहीं मिलेगा। गौरव दास गुप्ता जी ये मत बोलिएगा, आईफोन पक्का अभी खरीदने का मौका, बिल्कुल बिल्कुल आप उस टाइम पे। ओके, फ्यू क्वेश्चंस आर रियली कंफ्यूजिंग, हाउ टू डू देम आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर परनीत शिया, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा दैट इज क्वाइट क्वालिटेटिव, वही लेवल होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ओके चलो भैया फिर आगे चलते हैं। अरे लो आगे। इन आईसी इंजन क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब इसमें आधे ज्यादा जनता लुड़के की बता रहा हूं मैं, कनेक्टिंग रॉड किसको कनेक्ट करता है ये बताना है हमें। बोलो बच्चा, बोलो। अरे बोलो रे बाबा, बोलो। किसको करता है? अगर ये भी ना बता पाए तो बहुत ज्यादा पाप लगेगा, मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड। आरती गुप्ता जी, ओके थैंक यू। ओके, दैट्स ग्रेट। नाल सी, माई डियर क्या हो जाएगा? पिस्टन क्रैंकशाफ्ट, आई होप यू गॉट इट। 52, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ स्ट्रोक, लाइन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर एंड द नॉर्मल टू द पिच कर्व एट एनी पॉइंट इज रेफर टू एज। माई डियर प्लीज टेल मी, ये क्या पूछ रहा है? कैम एंड फॉलोअर से क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन? टॉम से, थ्री ऑफ मशीन से क्वेश्चन। इसको जल्दी चिपकाओ, आंसर चिपकाओ इसका। क्या होगा बच्चा इसका 52 का? क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं? प्रेशर एंगल। आई होप यू गॉट इट। यस सर नो, वेरी गुड आशुतोष पांड। 2 कैसे होगा आशुतोष जी? प्रेशर एंगल, वेरी गुड रोहित, शोएब शेख, नो इट्स नॉट 1, शोएब जी मोस्ट वेलकम। अनुष्का पांडे जी 4, वेरी गुड। गिरिजा सिंह ने सही मारा है, आरती जी ने भी मारा है, शिव ने मारा है, आशुतोष ने भी मारा है। ओके आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन हियर। कार्तिक ठोकला जी ने मारा है 4th, वेरी गुड। चलो गाइस, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। ओके सो चलो आगे चलते हैं भाई। 53, काइनेमेटिक चेन, मैंने बोला था इसका कांसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, राइट, सॉल्विंग द क्वेश्चन एज वेल। काइनेमेटिक चेन रिक्वायर्स एट लीस्ट, बताओ काइनेमेटिक चेन को क्या रिक्वायर होगा कम से कम गिरी हालत में? हाँ जी भैया, फोर लिंक और कितने? फोर लिंक तो मैंने बता दी, अब ऑप्शन बताओ आप। फोर लिंक एंड वॉट भैया? फोर टर्निंग पेयर, मैंने बताया था आपको, एक रिलेटिव मोशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा ऑन सेम, वो अगर किसी भी लिंक को फिक्स करेंगे तो वो डायरेक्शन में उसी मोशन में डायरेक्शन देगा, डेफिनेट डायरेक्शन में। आई होप दैट आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। वेरी गुड, 3rd, वेरी गुड आरती गुप्ता जी, वेरी गुड। ओके मृन्मय शर्मा मोस्ट वेलकम डियर। चले आगे, जो भी नए है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस। ओके सो चलो 54, द फिगर शोन बिलो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिंक 1 विथ रिस्पेक्ट टू लिंक 2 इज व्हाट? 15 मीटर पर सेकेंड। द लिंक 2 रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 150 आरपीएम। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस, क्या पूछ रहा है बेटा? कोरियोलिस बताओ, चल रहा है कोरोना आ गया, कोरियोलिस बताओ जल्दी से क्या होगा बेटा? 2 आईस वी ओमेगा व्हाट इट शुड बी? ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा? 2π n/60 हो जाएगा। बस कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। सब बता दिया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हाँ बच्चा बोलो क्या आ रहा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हाट माय डियर? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यस एंड नो, बिल्कुल करेक्ट है बच्चा, एंड दैट इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर 4। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इसमें पुट करिए वैल्यू, आपका ऑप्शन आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। यस एंड नो प्लीज टेल मी। यस सबका आया, वेरी गुड। शिव 4, वेरी गुड डियर। ओके महाखुड़ जी मोस्ट वेलकम। शश देवा, ओके एनीबडी एल्स? ओके शश्मिता परिदा सर, पीडीएफ विल बी, शश्मिता जी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका पीडीएफ आपको जब सेशन खत्म होगा इसका कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा, यू विल गेट इच एंड एवरीथिंग। ओके एंड कल मिलना मत भूलना, कल दोपहर को 12 बजे पहले, जो आज की जो कल जो पेपर होगा 27 को, उसका एनालिसिस दोपहर को 12 बजे और दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस शाम को 4 बजे, ठीक है? पहला एनालिसिस दोपहर को 12 बजे और दूसरा एनालिसिस शाम को 4 बजे मैं करूंगा, मेरे साथ देखेंगे कि हाँ मैंने जो पढ़ाया था उससे कैसा आया, क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है। जिनका पेपर 28 को है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस कल का सेशन मिस मत करना, दोपहर को 12 बजे पहला। ओके इवनिंग शिफ्ट में है मेरा, ओके इवनिंग शिफ्ट का हम करेंगे शाम को 4 बजे, और जो मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस मैं करूंगा इसी चैनल पे आके दोपहर को 12 बजे। ओके सो गाइस हियर 55, इन केस ऑफ कैन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल इज केप्ट एज। मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखते हैं बच्चा बता दो, 30 से ज्यादा नहीं रख सकते बच्चा, 30। ओके आई होप यू गॉट इट, सबने मारा है, वेरी गुड। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन,
56, which one of the following is a higher pair? इसमें से higher pair कौन सी? And higher pair के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा? Point contact और line contact. बस और बस क्या नहीं होना चाहिए? Surface contact नहीं होना चाहिए. Now tell me the answer for it. Yes, please tell me. Clue तो मैंने दे दिया बच्चा, आप बता नहीं सकते आंसर आप. One. Belt and pulley. I hope you got it. Yes or no. सब मार रहे हैं belt and pulley. Very good. Now I'll go for the next one. Here 57. In an engine, the fluctuation of speed is plus minus 2% of mean speed. Then the coefficient of fluctuation. बताया था plus minus 2% है, मतलब कितना? Total 4%, मतलब कितना? 0.04. ये तो option मैंने बताया भी था आपको, पहले भी solve किया हमने. किया नहीं किया, direct मारना है बच्चा. Very good. सबने मारा answer. Very good. Sandila Chandra Babu Yadav, most welcome in the session. ओके शिवानी भरद्वाज, ओके स्लाइडिंग कैसे होगा यार देवशीष, स्लाइडिंग में क्या होगा? सरफेस कांटेक्ट होगा, हाइयर पेयर कैसे कहलाएगा बच्चा? ओके अनुष्का पांडे, वेरी गुड डियर. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन गाइस, डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, डू इट. वारा प्रसाद पंगेला, वेरी गुड डियर सर. 12:30 को करें गुलशन गेमिंग जी, 12 बजे होगा. ओके बताएंगे अगर टाइमिंग पे देखेंगे कैसा क्या हो रहा है, 12:30 पे देख लीजिएगा, बट देख जरूर लीजिएगा क्योंकि अगर आपका 28 का पेपर है तो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वो वीडियो कि पेपर कैसा आ रहा है. व्हाट इज द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर सिक्स लिंक मैकेनिज्म? पहले बताया था, कल क्या बताया था? n(n-1) होती. इसका अगर n लिंक है तो उसमें नंबर ऑफ सेंटर ये होता है बच्चा, तो 6 - 5 / What n क्या है बच्चा? ये 2 होता है n-1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 5/2, मतलब कितना? 3 × 5 = 15. ये देखो ऑप्शन में है. I hope you got it. हाँ या ना, बोलो. ओके चंद्रबाबू यादव, वेरी गुड. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन गाइस, डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, डू इट. विधान दास, अनुष्का पांडे, सबको ही लाइक कर दो यार, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. बहुत एनर्जी लगती है यहाँ तक इतना चिल्लाने में और इतना जोश भरने में. ओके, वन मैन टेक्स 1 मिनट टू रेज अ बॉक्स टू हाइट ऑफ, कौन सी हाइट पे? 1 मीटर. ओके, द अनदर मैन टेक्स हाफ मिनट टू डू सो. द एनर्जी ऑफ द टू इज वॉट? एनर्जी पूछा है दोनों की. क्या वन मैन टेक्स 1 मिनट टू रेज द बॉक्स टू हाइट ऑफ 1 मीटर और जो दूसरा आदमी है वो क्या लेता है? आधा लेता है. तो मेरे को बता दो एनर्जी क्या रहेगी उनकी, एनर्जी क्या रहेगी बच्चा? बोलो. अरे बोलो रे बच्चा, बोलो. वट इट शुड बी. हाँ जी, क्या होगी? हाँ क्या होगी? अरे सेम रहेगी, इससे एनर्जी का क्या लेना देना है? सेम ना रहेगी. आई होप यू गॉट इट. यस और नो, किसने बोला? देखें जरा गलत, 4 बोल रहे हैं बच्चे. 4 कैसे होगा भाई? 4 क्या एनर्जी से क्या लेना देना है उसका? रेट पावर की बात थोड़ी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डे सेट की एनर्जी बताओ. यस दैट्स ग्रेट, वेरी गुड. पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है ना, पोटेंशियल एनर्जी में वो कहां से आ गया, टाइम कहां गया? हाँ वो बोलता है कि पावर बताओ या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताओ, देन वी कैन से कि हाँ वो कम होती ज्यादा होती. आई होप यू गॉट इट, वेरी गुड शर्मा जी. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन. 62 पार्टिकल्स ऑफ इच मास एम कोलाइड हेड ऑन व्हेन देयर स्पीड्स आर ट्वाइस यू एंड यू इफ दे स्टिक टूगेदर ऑन इंपैक्ट फाइंड द कंबाइंड स्पीड इन टर्म्स ऑफ यू. बच्चा बताना क्या पूछ रहा है? कंबाइन स्पीड पूछ रहा है और वो भी कौन से टर्म्स में? यू के टर्म्स में, और जो कि हमें पहले ही दी है. क्या कोलाइड करते हैं ऑन व्हेन देयर स्पीड इज ट्वाइस यू एंड यू, रिमेंबर? सो गाइस प्लीज टेल मी द आंसर फॉर इट. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन है बच्चा, बोलो क्या होगा? बोलो. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो यार, बस बाकी कुछ नहीं करना आपको. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो. व्हाट इट शुड बी. यस प्लीज टेल मी. देखो क्या होगा, m1 + u1. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो क्या होगा? m1 u1 + m2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल में जाएगा ना, फाइनल वेलोसिटी में. दैट इज व्हाट, m1 + m2 इट्स अ फाइनल वेलोसिटी v, राइट? तो ये m1 u1 कितना दिया है? ट्वाइस u प्लस m2, और ये u2 रिटार्ड होके जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? माइनस यू ले लेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा बच्चा? m1 क्या है? m1 + m2 m + m, राइट ना? ये क्या हो जाएगा? v कितना हो जा रहा है ये देखो, ये m1m क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये भी mm हो जाएगा ना, मैंने m1m जल्दी में लिख दिया. तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या हो जाएगा? twice mu माइनस twice u ना, सॉरी twice ना सॉरी माइनस mu, राइट? इज इक्वल टू twice mv, राइट ना? सो ये देखो mu यहां से कॉमन है, mu कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां पे? 2 - 1. दैट मींस एक सीधी साफ बात बोलो, mu बचा यहां पे,
mv इज इक्वल टू ट्वाइस एम वी, राइट। सो क्या हो जाएगा, mm गुजर जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, u इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस v आ रहा है, लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, पूछा है यहाँ पे v पूछा है ना हमसे, उनके संयुक्त गति ज्ञात कीजिए इन टर्म्स ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, u by 2 इज इक्वल टू v, u by 2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, आई होप यू गॉट इट। हाँ, मिला कि नहीं मिला बच्चा, वेरी गुड, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, हियर क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ बच्चा क्या बोल रहा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मतलब टी दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, तो आपको पता है टी इज इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा, अरे हाई है ना, अरे बोलो रे बच्चा, ये बताया था ना आपको, बताया था कि नहीं बताया था, टी इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट बताया था, ये मैंने लिख के भी बताया था बहुत पहले, कैसे आता ये भी बताया था, नंबर वन, आई होप यू गॉट इट, यस और नो, वेरी गुड अर्जुन महेश, वेरी गुड डियर गाइस, डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग ऑन अ लाइक बटन, डू इट, ओके। सो हियर वी गो फॉर द 62, द स्मूथ सिलेंडर लाइन, द स्मूथ सिलेंडर लाइन ऑन अ कॉन्वेक्स सर्फेस रिमेन्स इन वॉट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है, स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन अ कॉन्वेक्स सर्फेस पे है, रिमेन्स इन वॉट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दिस, यस प्लीज टेल मी द आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 62, बोलो जल्दी से बच्चा, जल्दी, इतना टाइम नहीं होगा वहां पे, ओहो सबने मारा, क्या मारा, अनस्टेबल, तो आंसर कैसे गलत होगा अगर आप लोगों ने लगाया है, तो अनस्टेबल ही होगा, वेरी गुड, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव क्लच, कौन सा इसमें से पॉजिटिव क्लच है गाइस, प्लीज टेल मी, पॉजिटिव क्लच कौन सा है इसमें से, गाइस बी फास्ट, बोलो क्या होगा, डॉग क्लच, ओके 63, 64, रैंकाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द विच टाइप ऑफ मटेरियल, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, पूछ रहा है मशीन डिजाइन से क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ फेल्यूअर से, गाइस प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी इट, सबको पता है, अगर वो है क्या नाम है उसका, गेस्ट एंड ट्रेस का, वो तो डक्टाइल क्लीज होती है, तो बसता क्या है, ब्रिटल, ये ब्रिटल के लिए होगी रैंकाइन, आई होप यू गॉट इट, yes or no, very good each and everybody, very good dear Girja Singh ji, very good, now guys I'll go for the next one, here we go, chalo 65 pe, guys don't forget to mark your attendance, please do it, the cycle generally used for gas turbine is what, kya hota hai bachcha, bolo, otto cycle na, gas turbine ke liye otto cycle, haan ya na, otto cycle, gas turbine, bolo otto cycle, aha, very good dear, ab aap logon ka confidence matlab high hai, अब आप लोग मेरे फ्लो में नहीं बोल रहे हो, दैट इज क्वाइट गुड, नहीं तो पहले आप कैसा था, मैं अगर जिस को बोल दूं चूज कर दूं ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन भी आप उसी को कर देते थे, दैट इज वेरी गुड डियर, ब्रेटॉन साइकिल है, वेरी गुड, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर, कौन सा इसमें से हाई प्रेशर बॉयलर, हाँ जी प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द हाई प्रेशर बॉयलर, 66, हाँ जी कौन सा होगा, कॉर्निश होगा ना, बोलो, वेरी गुड सैम, वेरी गुड, सब आ गए अभी बिल्कुल, लेमोंड बोल रहे हैं बच्चे सर, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, या तो सब ने रिवाइज कर रखा है, सब ने इतनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन के दिमाग में बैठ गया, दैट इज लेमन बॉयलर इज अ हाई प्रेशर बॉयलर, आई होप, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज वेपर पावर साइकिल हैविंग, क्या बोल रहा है, इफिशियंसी इज 0.5, 0.6 कपल इन अ सीरीज देन द इफिशियंसी ऑफ कपल साइकिल, मैं आपको बताता हूं, देखो इस ये दो है, यहां पे दो दिया है, तो इफिशियंसी का लग जाएगा ईटा वन प्लस ईटा टू माइनस ईटा वन इंटू ईटा टू, ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मैं आपको इससे भी बेस्ट फॉर्मूला बताता हूं, अगर सपोज टू बी एन नंबर ऑफ साइकिल आ गए तो क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ साइकिल में फॉर्मूला लगेगा ना, वन माइनस ईटा टू मल्टीप्लाइड बाय एन वन माइनस ईटा थ्री, एंड ऐसे ही जितने दिए होंगे इफिशियंसी सबका मल्टीप्लीकेशन माइनस कर देना, किससे, वन से, उसने आपको एन नंबर ऑफ जो एन इंजिन दिए होंगे ना अगर, तो उसका इफिशियंसी आ जाएगा, बताओ यहां से आंसर क्या रहा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, हाँ जी ईटा वन प्लस ईटा टू माइनस ईटा वन इंटू ईटा टू, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इट गाइस, एंड इट इज नन अदर देन 0.8, बोलो, वेरी गुड डियर, 0.8 सेकंड, रविंद्र रेड्डी वेरी गुड, राजेश्वर वेरी गुड डियर, 67.3 दैट्स ग्रेट, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, अनुष्का पांडे 2 वेरी गुड, 2 आएगा आंसर, दैट इज 0.8, वेरी गुड, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, अर्जुन महेश थैंक यू सो मच, ओके नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, याद रखिएगा अगर मल्टी एन नंबर ऑफ इंजिन के लिए पूछ रहा तो सीधा ये फंडा, और ये याद रखो ये लगाने से ना ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ये आसान है, अगर आप दो साइकिल के लिए लगाओगे, दो साइकिल के लिए पूछा है, दो इफिशियंसी तो इतना फॉर्मूला यूज होगा, तीन के लिए बोला तो इतना यूज हो जाएगा, चौथे के लिए 1-4 लगा दो, ऐसे सोन लगाते चलो और बस एग्जाम को फोड़ते चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग, मैंने पहले बताया था माउंटिंग रहा तो सेफ्टी, एक्सेसरीज रहा तो इफिशियंसी, बताओ इसमें से कौन सा बता रहा है सेफ्टी के बारे में, तो मेरे को यहां क्लियर कट दिख रहा है क्या,
बोलो बच्चा क्या बता रहा है यहाँ पे, कौन बता रहा है माउंटेन्स के बारे में, सेफ्टी के बारे में? तो भैया इसमें से कोई भी सेफ्टी के बारे में नहीं लग रहा, सब इफिशियंसी के बारे में लग रहा है, इंजेक्टर भी, फीड भी और ये भी, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? नन ऑफ दिस। आई होप यू गॉट इट, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। चलते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ सोलार कॉन्स्टेंट इज, सोलार कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछा है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, नो कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं, इन्फॉर्मेटिव। अगर पढ़ा होगा तो बता पाओगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। बताओ, बोलो। वेरी गुड, समबडी हैव आंसर, सबने आंसर करा है। दैट इज व्हाट, 1.4 किलो वैट पर मीटर स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। 70, सब कूलिंग इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या करता है बताओ? देखो सब कूलिंग के बारे में भी पूछा है, सुपर हीटिंग इन वेपर साइकिल जब करते हैं तो क्या होता है वो भी पूछा है। तो बच्चा बताओ तो जरा ऑप्शन में क्या होगा इसके, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो रे बच्चा, बोलो बोलो, कम ऑन गाइस, डू इट फास्ट, बोलो। हाँ जी, व्हाट शुड बी, व्हाट इट शुड बी, यस, क्या होगा ऑप्शन? हाँ, अरे बच्चा क्या होगा? डज नॉट अफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क एंड इंक्रीजेस द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बिल्कुल राइट, यस और नो? सब कूलिंग क्या बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा ना वर्क। अरे साइकिल बच्चा ऐसा है ना इसका, ये देखो ऐसे, ये ऐसे वर्क ऐसे जाता है, ये अगर आपने सब कूलिंग, तो अभी ऐसे आ रहा है, ये हमारा रेफ्रिजरेंस इफेक्ट होता है, और सब कूलिंग करेंगे तो यहां जाएंगे ना, तो यहां से देखो तो रेफ्रिजरेंस इफेक्ट इतने से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? देखो बिल्कुल बढ़ गया, बस वही चीज पूछी थी यहाँ पे, लगा दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ रेसिप्रेटिंग एयर कंप्रेसर? कौन सा इसमें स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है रिगार्डिंग व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में? प्लीज टेल मी द आंसर फॉर इट। यस गाइस, बी फास्ट। 71, गाइस प्लीज डू इट फास्ट, फास्ट, जल्दी, समय नहीं होगा इतना। इट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनलेट टेम्परेचर, बिल्कुल 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 वो होगी। यस और नो? यस और नो? प्लीज टेल मी। बोलो रे बच्चा, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, इच एंड एवरीबॉडी आंसर करेक्ट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। 72, व्हेन इंस्पेक्शन डोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बॉयलर आर ओपन, फ्लेम डज नॉट लीप आउट ऑफ बिकॉज, फ्लेम डज नॉट लीप आउट बिकॉज व्हाट, बिकॉज व्हाई, बिकॉज बिकॉज बिकॉज, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, दे आर आस्किंग फॉर द रीजन। यस माय डियर, 72, पता है ना? हाँ, क्या होता है प्रेशर, क्या होता है अंदर, निगेटिव तो खींच लेता है अंदर, क्या होता है, वैक्यूम होता है ना अंदर। आई होप यू गॉट इट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रणीत शिवा, वेरी गुड डियर। शिवानी राय, वेरी गुड। शिवानी राय जी, मोस्ट वेलकम इन द सेशन, एंड प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, डू इट फास्ट। एके मिश्रा, वेरी गुड। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। 73, सबमर्ज बॉडी, सबमर्ज बॉडी, कौन सी बॉडी, मर्ज बॉडी, कौन सी बॉडी, सबमर्ज बॉडी, कौन सी मर्ज, सबमर्ज बॉडी विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम कब? रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, और इसका हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, करेक्ट आंसर चिपका रहे हैं इसको, तो फिर से एक बार चिपका दो बच्चा, बोलो चिपकाओ जल्दी। सबने चिपका दिया, देखो भैया सब 444 चिल्ला रहे हैं, बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं, 444, वेरी गुड। और इसका है 4, सेंटर ऑफ बोयंसी, बोयंसी अबाउ 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 जी, वेरी गुड। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। 74, दैट इज अ मैनोमीटर हेड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, कौन सा पंप सेंट्रीफ्यूगल इज गिवन बाय, गिवन बाय, बताओ फॉर्मूला, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ, रिपीटेड है, हा ना, हा या ना, हाँ ना, बोलो बच्चा, बोलो बोलो बोलो, सबने बताया 74 का भी, वेरी गुड डियर, सबने बताया आंसर ऑलमोस्ट, कुछ लोगों को छोड़ के उन लोगों का गलत है, बट नो वरीज, एंड इट इज नन अदर देन टोटल हेड एट आउटलेट माइनस टोटल हेड एट इनलेट। यस और नो? सबने, वेरी गुड। फोर्थ नहीं बच्चा, फोर्थ नहीं, फोर्थ वाले बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, फोर्थ बिल्कुल नहीं है। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट, विल गो फॉर द नेक्स्ट। हियर 75, the hydrostatic law states that the rate of increase of pressure in a vertical direction, what my dear, is equal to density of fluid is equal to specific weight of the fluid equal to the weight of fluid, none of the above, हाँ जी, option बताओ, correct वाला, correct वाला, 75, yes my dear friends, किसके बराबर होता है, अरे specific weight के बराबर नहीं होता, number 2, हाँ या ना, वेरी गुड, वेरी गुड राजेश्वर, वेरी गुड अजय तलपड़ा जी, ओ हो विदान दास, वेरी गुड। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। सो हियर गाइस, अगेन आई गो हाइट, दैट इज 76, लिक्विड हैज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सिग्मा, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू डिवाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप 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 ऑफ दिस लिक्विड ऑफ रेडियस टी इंटू 8 इक्वल साइज स्फेरिकल ड्रॉप इज वॉट माई डियर, प्लीज टेल मी। देखो क्वेश्चन फिर से समझाता हूं,
लिक्विड है सरफेस टेंशन उसका सिग्मा, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू डिवाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप, मतलब कितना वर्क रिक्वायर्ड है सो दैट वो जो स्फेरिकल ड्रॉप है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसका रेडियस क्या है, लेकिन वो स्फेरिकल जो शेप है ड्रॉप का उसका रेडियस टी है और लेकिन उसको डिवाइड कितने पार्ट में करना है, आठ पार्ट में बच्चा, आठ पार्ट में, बताओ जल्दी से आंसर इसका, अगर आपको सर्फेस टेंशन का मीनिंग पता होगा यू कैन आंसर इट। हाँ जी प्लीज टेल मी व्हाट इट शुड बी। आपको पता है ना सर्फेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है ना, जस्ट अप्लाइड एंड एफ बाय एल इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन और चेंज इन एरिया, जस्ट अप्लाई दैट, यस और नो, अरे बोलो रे बच्चा क्या होता है सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल सॉरी एफ बाय एल और इसको क्या बोलते हैं और चेंज क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वर्क पर यूनिट व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, अरे बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जस्ट कैलकुलेट इट, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, जब आप कैलकुलेट करेंगे माय डियर व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इट। हाँ जी क्या आएगा ऑप्शन में, यस इट शुड बी नन अदर देन, जब आप ये फंडा अप्लाई करेंगे यू विल गेट, इस पे आगे प्रोसीड करेंगे यू विल गेट दिस वन, ओके स्पेरिकल का शेप लेंगे दैट इज व्हाट आर क्यूब, स्पेरिकल का क्या हो जाएगा आर क्यूब के बराबर होगा ना, आर को हम स्प्लिट करेंगे ना, अरे भैया इस आर क्यूब को स्प्लिट करना होगा नंबर ऑफ एन आर क्यूब में, राइट हाय ना, हाय ना, दैट विल बी व्हाट माय डियर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ आर क्यूब डिवाइडेड बाय वन बाय एन, तो एन रेस्ट टू पावर माइनस वन बाय थ्री, हाँ या ना बोलो बच्चा बोलो, सॉरी ये आर क्यूब चला जाएगा राइट ना, ये आर आ जाएगा, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इसको पुट कर दीजिए आप स्फेरिकल वॉल्यूम में यू विल गेट आंसर, आई होप यू गॉट इट, नाउ गो फॉर द 77। द मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर एट स्मॉलर एंड एंड लार्जर एंड ऑफ अ पाइप आर, स्मॉलर एंड में और लार्जर एंड में वेलोसिटीज दी हैं, दैट इज वी1 एंड वी2 इज गिवन 20 एंड 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर एंड इज व्हाट 25 देन द एरिया दैट, लगाओ जल्दी से ये, लगाओ जल्दी से ये, क्या लगा रहे हैं हम लोग, क्या लगा रहे हैं बच्चा, हम लोग लगा रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या लगा रहे हैं बच्चा कंटिन्यूटी इक्वेशन, सो नाउ टेल मी द आंसर फॉर इट, यस गाइस प्लीज टेल मी, और इसका आंसर आ जाएगा व्हाट 10,000 कौन सा 1000 10,000 mm², बोलो बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, वेरी गुड वेरी गुड, सब आंसर कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट थिंग टू सी, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करेक्ट करते हैं ना, सो मैं बता रहा हूँ मेरे से ज्यादा हैप्पीनेस किसी को नहीं होती होगी, 78 हो गया 77 हो गया 78 पे आ गए, दैट इज मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, किसका है मेटा सेंटर, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है गाइस प्लीज टेल मी, कोई दो चीजों का है तो बता दो आंसर उसका सा जल्दी से, रिपीटेड क्वेश्चन चिपकाओ इसको जल्दी से, एंड इट इज नन अदर देन, नन अदर देन, नन अदर देन व्हाट माय डियर, बॉयंट फोर्स 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 एंड सेंटर लाइन ऑफ बॉडी दैट इज टू 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 टू, बिल्कुल सब मार रहे हैं टू, ना ना देवाशीष बारिक इट शुड नॉट बी ए, इट शुड नॉट बी ए, बिल्कुल नहीं है ए, बिल्कुल नहीं है अर्जुन, अर्जुन ओके टू, वेरी गुड वेरी गुड, आई रिपीट देवाशीष इट शुड नॉट ए, ए नहीं होगा, ओके आई होप यू गॉट इट, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन हियर दैट इज 80। According to the Newton's law of viscosity, the shear stress is directly proportional to, shear stress is directly proportional to, my dear, please tell me what should be the answer for it, हाँ जी, yes, tell me 79, हाँ, what it should be, क्या होता है बच्चा formula क्या होता है, tau is equal to mu into shear strain rate, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे को ये दिख रहा है, yes or no? बोलो बच्चा वेरी गुड एवरीबडी वेरी गुड ओके दैट्स ग्रेट थिंग दैट गाइस डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन डू इट फास्ट ओके हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज 80th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम कौन सा थ्योरम बर्नौली हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम गाइस डू इट फास्ट बहुत आसान क्वेश्चन है आपको पता है इसका आंसर यस हाँ अरे इसको मैं बर्नौली यूज करूं वेंचुरी में भी यूज करूं और ओरिफिस में भी करूं पिटॉट में भी कर लूं कर लो सर कर लो दैट इज ऑल ऑफ द अबव लगाओ ना इसका फोर्थ यस और नो अजम्पशंस नहीं पूछा है डिवाइस पूछा है वेरी गुड रोहित चौरा वेरी गुड डियर रविंद्र रेड्डी दयानंद कुराड़े योर आंसर इज रॉन्ग इट इज फोर्थ आई होप यू गॉट इट राजेश्वर वेरी गुड अभय कुमार पांडे सबका सही आ रहा है सस्मिता परिदा का भी सही आया शायद Which of the following is a medium head turbine in which water flows inward radially? हाँ जी बताओ बच्चा बताओ 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 मैंने पहले ही बोला था जहां medium दिखाई दे तो कौन है बीच का turbine कौन सा बोला था France से आया था कौन France से आया Francis I hope you got it yes or no France से आया Francis book review very good third ना book review it's not third most welcome in the session book review
ओके डियर, ओके फ्रांस से आया फ्रांसिस, फ्रांस से आया फ्रांसिस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चा 82 लोकस, लोकस ऑफ एलिवेशन, लोकस ऑफ एलिवेशन दैट वाटर विल राइज इन सीरीज ऑफ पिटोटियो इज कॉल्ड, क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ एलिवेशन दैट वाटर विल राइज इन सीरीज ऑफ पिटोटियो विल कॉल्ड एस, विल कॉल्ड एस, ऊंचाई का वह लोकस जिस पर पिटोटियो की श्रेणी में पानी के स्तर में वृद्धि होती क्या कहलाता है, ये सबको पता है, सबको पता है, तो फिर आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें किसमें आना है, अल्पमत में किसमें आना है बच्चा, एनर्जी ग्रेड लाइन नहीं कहलाते उसको, क्या बोलते हैं, एनर्जी ग्रेड लाइन। आई होप यू गॉट इट, यस और नो, यस और नो, प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर फॉर, वेरी गुड वेरी गुड, परिणीत शिवाज, रोहित चौरा, रविंद, ओके शिवानी भरद्वाज, वेरी गुड यार, ए के मिश्रा जी, टू 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 टू, दयानंद कुराडे, वेरी गुड, अजय, अजय तलपड़ा, मोस्ट वेलकम, अनुष्का पांडे, वेरी गुड, नाइल गो फॉर द नेक्स्ट वन, हियर 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 83 in Kaplan, in Kaplan turbine runner, the number of blades is generally of the order, कौन से order के होते हैं, बताया था, इसके पहले भी बताया था, repeated question है, please tell me the answer for it, हाँ जी, जल्दी जल्दी, time नहीं होगा बच्चा, ये सब question में time नहीं लगना चाहिए आपको, and it is none other than, किसने पूछा इस बार, Kaplan ने पूछा, तो क्या होगा, 4 to 8 बोला है ना, very good, 4 कैसे होगा साई रमेश जी, इट्स नॉट 4, वारा प्रसिद्ध नंगेला, वेरी गुड, प्रीति झामरे, मोस्ट वेलकम इन द सेशन, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड प्रीति, ओके गाइस, सी आई विल गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज 84 विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द मोस्ट प्रॉपर्टी, क्या किसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द, माय डियर प्लीज टेल मी, फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल, फ्लो कैस्टर ऑयल थ्रू द ट्यूब, ट्रैवल थ्रू अ बुलेट थ्रू एयर, हाँ जी प्लीज टेल मी, ट्रैवल ऑफ अ बुलेट कहां पे होगा यूज, ऑयल ऑयल तेल तेल कहां होगा, तेल तेल, बोलो बच्चा 84 का बोल दो, अरे भैया जहां तेल वहां विस्कोसिटी, जहां विस्कोसिटी वहां तेल, दैट इज व्हाट, फोर्थ, आई होप यस और नो, अरे बोलो रे बच्चा, बोलो रे बच्चा, हाँ या ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो सबने मारा, दैट्स ग्रेट, दैट्स 3 and 4 फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल में, नहीं 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 अभय कुमार जी, वी हैव टू चूज वन आंसर, याद रखिएगा समटाइम्स दो ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होते हैं, बट उसमें से एक ना बहुत ज्यादा करेक्ट होता है, तो एट दैट टाइम वी हैव टू चूज जो सबसे ज्यादा करेक्ट है, बहुत ज्यादा क्लोज हो, राइट, मैंने पहले बताया जहां तेल वहां विस्कोसिटी, जहां विस्कोसिटी वहां तेल, ओके, सो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इन लैमिनार फ्लो इज पैराबोलिक देन द शियर स्ट्रेस प्रोफाइल मस्ट बी, हाँ जी बहुत आसान क्वेश्चन, फ्लो लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो ये टॉपिक है किसमें, एफएम में, सो माय डियर उससे बताना है क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बच्चा, स्ट्रेट लाइन आई होप यू गॉट इट, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में होता है, रिमेंबर, ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन में होता है ना बच्चा कि नहीं होता, अरे होता है नहीं होता, प्लीज टेल मी व्हाट इट शुड बी, यस गाइस, बी फास्ट किसमें होता है, अरे स्ट्रेट लाइन में होता है, ये ऐसे नहीं बनता क्या, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ये देखो ऐसे होता है, तो ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ये बन गया, ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते, और वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे कुछ बनता है, राइट ना, ऐसा याद हो तो, है ना, आई होप यू गॉट इट, वेरी गुड, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, हियर गाइस, मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस गाइस, ओके, द शियर स्ट्रेन रेट ग्राफ फॉर न्यूटन फ्लूइड इज व्हाट, न्यूटन फ्लूइड के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, इलेप्टिकल कर्व, अगर इसका आंसर आपको नहीं आया, इसको आंसर नहीं आया, तो बहुत पिटाई होगी बच्चा, बहुत पिटाई होगी, वो भी वर्चुअल पिटाई, हाँ जी बोलो, सबने मारा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड वेरी गुड, नाउ टेल मी, यस दैट्स ग्रेट टू सी माय, वेट हाँ थोड़ा सा वो हुआ है, वेट, ओके बहुत बहुत सही आंसर, दैट इज व्हाट 86 का, दैट इज स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड यार, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन मारा है बच्चों ने, दैट्स ग्रेट थिंग, ओके सबने मारा है, वेरी गुड, वर्चुअल पिटाई नहीं हुई, सब बच गए बच्चा, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज 87, ये निशानी है कि आप जो प्रीलिम्स है, जितने बच्चे हैं यहाँ पे जो सीरियसली दे रहे हैं आंसर, ये निशानी कि आप प्रीलिम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, खासकर टेक्निकल में, ओके, द कर्ल ऑफ गिवन वेलोसिटी दैट इज डेल क्रॉस वी इंडिकेट्स व्हाट, रेट ऑफ, क्या बताता है बच्चा ये, व्हाट इट इंडिकेट्स, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट, एफएम, मैंने पहले ही बताया एफएम 29 मार्क्स की आ रही है ऑन एन एवरेज, एनालिसिस देखेंगे आप तो, यस और नो, वेरी गुड, 3-3-3-3 मार रहे हैं बच्चे, 3-3 मार रहे हैं, वेदर 3 इज करेक्ट और नॉट, बिल्कुल करेक्ट है, डिफॉर्मेशन बताता है सर ये, डिफॉर्मेशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट, ये क्या बता रहा है, इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, डेल वी बाय डेल वाई बता रहा है, एंड इट इज नथिंग बट व्हाट, डिफॉर्मेशन, राइट ना, आई होप यू गॉट इट, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट, मैक्सिमम
मैं दिख तो रहा हूँ ना आपको वीडियो प्रोफाइल में, हाँ बिल्कुल दिख रहा हूँ। तो चलो फिर आगे 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 आगे। द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील इज ऑब्टेन व्हेन द रेशियो ऑफ बकेट स्पीड टू जेट स्पीड। अरे वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है बच्चा, बताओ क्या होगा। यस इट शुड बी यस प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी इट। हाँ जी क्या होगा, क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ बकेट स्पीड टू द जेट स्पीड दैट इज यू बाई वी एंड दैट इज नन अदर देन माई डियर। अरे यू बाई वी क्या होता है, क्या होता है बच्चा, u by v का रेशियो क्या होता है 0.5, दैट इज व्हाट u by v इज नथिंग बट 1/2 ना, तभी तो हम बोलते हैं u इज इक्वल टू v by 2। कितना 0.5, यहां पे कहां है 0.5, नहीं 4/6 मारो ऑप्शन, देखो यहां पे 0.5 हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पे नियर बाय आंसर कौन सा है 0.46, तो 0.46 ही करेक्ट होगा। ओके आई होप यू गॉट इट, वेरी गुड। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन हियर, दैट इज फोर लैमिनार फ्लो इन अ पाइप एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, फोर लैमिनार फ्लो इन अ पाइप एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, माय डियर एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है। हाँ जी बता दो बच्चा इसका आंसर भी, अभी अभी पढ़ा है इसके बारे में। क्या होगा बच्चा, मैंने पहले ही बताया है आपको, क्या होगा वी मैक्स क्या होता है, अरे वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स इज इक्वल टू 2 × वी एवरेज, राइट। तो आपसे क्या पूछा है, निम्न वाला पूछा है, मतलब क्या हो जाएगा 0.5 यू मैक्स, हाँ या ना, बोलो बच्चा, वेरी गुड, सब मार रहे हैं 3, दैट्स ग्रेट थिंग, वेरी गुड, मतलब आज तो पूरा फुल फॉर्म में है सबके सब, एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग वेल, सबके सब आंसर्स करेक्ट दे रहे हैं। 90, एन ओरिफिस मीटर हैविंग ओरिफिस ऑफ डाया डी इज फिटेड इन अ पाइप ऑफ डाया डी, फॉर दिस ओरिफिस मीटर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी, सीडी का कोफिशिएंट डिस्चार्ज बताना है बच्चा, बताओ क्या होगा इसका आंसर। यस गाइज प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ इट। यस 90 का आंसर, यस माई डियर फ्रेंड्स, It should be what my dear, it is none other than a function of d by d and Reynolds number, पता है ना आपको, हाँ या ना, पता है ना, very good, that's great thing, now we'll go for the 91 पे चलें बच्चा, 91 पे, double hemispherical buckets are used in, double hemispherical bucket किसमें यूज होती है, बताओ जरा जल्दी से, किसमें यूज होती है, बता दो जल्दी से, अरे किसमें, double hemispherical, Pelton, I hope you got it, Pelton, very good, that's great, सब आंसर साइड कर रहे हैं, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट गाइस। ओके गाइस, दोज हु आर न्यू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग ऑन लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फिल द फॉर्म ऑफ एसएससी जेईई मैकेनिकल लाइफ कोचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज गेट बैक टू अस, बिकॉज यहां पे आपको एक नंबर दिया जा रहा है ऑरेंज स्ट्रिप में दिख रहा है ना, उस पर कॉल करना है एंड मेल आईडी भी, उस पर मेल भी डालना है। बिट्टू मोस्ट वेलकम, बिट्टू मार्क योर अटेंडेंस बेटा, चलो आगे चलें, चलो बच्चा 92, the increase in pressure of liquid from 7.5 megapascal to 15 megapascal results into 0.2% decrease in its volume, the coefficient of compressibility of the liquid in meter square per newton, देखिएगा meter square per newton is what my dear, हाँ क्या पूछा है guys please tell me, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है coefficient of compressibility, हाँ what it should be, आपको पता होना चाहिए क्या, compressibility is nothing but what my dear, it is a reciprocal of bulk modulus, हाया ना, तो दैट इज वॉट माई डियर, इट शुड बी माइनस डीवी अपॉन वीडीपी होता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, माइनस साइन एज इट इज रहेगा ना, यहाँ पे निगेटिव आएगा, आ रहा है ना, बस बिल्कुल P1 माइनस P2 करोगे निगेटिव आएगा, आंसर आ जाएगा। यस टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर, यस गाइज प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इट, एंड इट इज नन अदर देन पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यस गाइज व्हाट शुड बी द आंसर, डीवी कितना दिया है 0.2 दिया है कि नहीं दिया, डीवी इज इक्वल टू 0.2% दिया है, what should be the answer for it, आप answer put करेंगे, you will get my dear, answer will be what, 0.267 10 to power minus 9, I hope you got it, now I'll go for the next one, सबका आया, very good, नहीं, प्रनीत शिवाजी see, that numerical value means what, numerical आंकड़े same हो सकता है, different हो जाएं, just इस पे थोड़ा सा और twist कर दे, या कुछ और simple कर दे, ऐसे आएंगे, same to same नहीं आएंगे, I never say कि question will repeated in the sense numerical repeated as it is, हो सकता है मैंने 7.5 लिया है, वो लोग 10 ले लें, 15 की जगह 20 ले लें, like this, okay, I hope you got it, now very, okay, that's great, now, I'll go for the next, 93, cavitation is caused by, low pressure, high pressure, high temperature, high velocity, बता दो बच्चा, सबको पता है, vapor pressure क्या हो जाता है, low हो जाता है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे option, यहाँ क्या लगा दोगे, low pressure नहीं लगाओगे, लो प्रेशर, और लो प्रेशर एक्चुअली अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक बोले तो लो वेपर प्रेशर होगा, तो
थोड़ा सा और स्पेसिफिक बोले, अगर यहां पे ऑप्शन दे देता लो प्रेशर और नीचे दे देता लो वेपर प्रेशर, तो हम ऑप्शन इसको लगाते, इसको छोड़ देते, ठीक है। हाँ, 894 हाइड्रोलिक कपलिंग, हाइड्रोलिक कपलिंग क्या करती है, कनेक्ट किसको कनेक्ट करती है बच्चा बताओ, 94 एंड दैट इज नन अदर देन माय डियर, किसको कनेक्ट करती है, इट कनेक्ट्स टू शाफ्ट रनिंग एट अ डिफरेंट स्पीड, हाय ना बोलो, वेरी गुड, ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके दैट्स ग्रेट, टू मार रहे हैं, टू वेरी गुड, नाल गो फॉर द नेक्स्ट, आयुष सचान मोस्ट वेलकम, ओके अश्विन पवन है, स्वर्णदीप राठौर है, विधान दास है, देवशीष है, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई गॉट इट, ओके नाल गो फॉर द नेक्स्ट, 95 इन केस ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स मैक्सिमम एफिशिएंसीज, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट आया था 50% होती है भाई डियर, क्या जाता है, नहीं सॉरी 66% होती है, वो एच हेड लॉस कितने बराबर आता है, हेड लॉस इज नथिंग बट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, आपको पता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हेड लॉस क्या होता है, एच बाय 3 होता है, और एफिशिएंसी क्या होती है माय डियर, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज नथिंग बट एच माइनस एच एल बाय क्या होगी, एच होगी, यस और नो, एच, और ये एच एल तो आप करेंगे एच माइनस एच बाय 3 बाय एच, तो आपका आ जाएगा 66.66%, यहां 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, आई होप यू गॉट इट, यस और नो, वेरी गुड वेरी गुड, व्हील में 50%, क्या व्हील में 50% होता है ना सर, आई एम नॉट गेटिंग, प्रनीत शिवा कैन यू रिपीट, थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, सस्मिता परिदा, नो इट्स नॉट 50% सस्मिता इट्स नॉट 50, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी हेड लॉस विल बी व्हाट, एच बाय 3, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी द हेड लॉस विल बी एच बाय 3, आई रिपीट वंस अगेन, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी द हेड लॉस इन पाइप विल बी while power transmission at that time you would have to take this answer. 96 for measuring flow by venturimeter it should be installed in, kisme install hona chahiye my dear, please tell me venturimeter kahan install hona chahiye, it should be kya vertical lagaun nahi lagaun, horizontal lagaun nahi, incline lagaun, are kaise bhi laga do, fourth one wo dega, I hope you got it, it's a machine, yes or no, very good very good very good very good, no degree of reaction bilkul nahi, Girija Singh ji, गुड इवनिंग राहुल यादव, मोस्ट वेलकम इन द सेशन, वेरी गुड गाइस, डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, डू इट, डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक एज वेल एज फिल द फॉर्म ऑफ एसएसजेई मैकेनिकल लाइफ कोचिंग व्हिच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, ओके नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, 97 दैट इज नन अदर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर डज नॉट इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, कौन सी प्रॉपर्टी जो है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज नहीं होती, ये बताना है, एंड दैट इज नन अदर देन माय डियर, क्या होगा, नन अदर देन, क्या नहीं इंक्रीज होता, अरे बोलो रे बच्चा, ये इंक्रीज हो जाती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी डिपेंड करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज वेट, आई होप यू गॉट इट यस और नो, वन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, आशुतोष पांडे जी बिल्कुल नहीं, आशुतोष जी बिल्कुल नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गिरिजा सिंह जी हाउ इट शुड बी फोर, राहुल संगला मोस्ट वेलकम, ओके राहुल संगला वेरी गुड, ओके विधान हाउ इट शुड बी टू यार, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिमेंबर, विल गो फॉर द नेक्स्ट, 98 द फ्लो ऑफ वॉटर इन वर्लपूल ऑफ रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बता दो बच्चा, सब बता देंगे इसको, वर्टेक्स का है लेकिन कौन से वर्टेक्स का, हा 98 बताओ बच्चा कौन से इसका है, मैंने पहले ही बताया था ये वर्टेक्स का एग्जांपल है, लेकिन क्या नदी में वर्लपूल जो बनता है जिसको आप बोलते हैं भंवर बनता है ना, वहां पे गोल गोल घूमता है पानी, फ्री है ना, मोटर लगा के थोड़ी करा रहे हो, ऐसा मोटर लगाए हो नहीं लगाए हो तो क्या होगा, फ्री, सिंपल है, दिमाग लगाओगे ना आंसर आ जाएगा, प्रैक्टिकली सोचो लिटिल बिट, थोड़ा सा यू विल गेट एवरीथिंग, नहीं भी पता होता तो आप मैं मार देता इसका आंसर, ओके नाल गो होता 99 डियर, डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी बार बार रिपीटेड है, हम फिर से बता देंगे इसका ऑप्शन, हाँ जी बच्चा बोलो कैसे बताया था मैंने इसका आंसर, आपको याद है कुछ, बोलो बच्चा बोलो व्हाट इट शुड बी, मैंने बताया था आपको इसका यूनिट क्या होता है, केजी, क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड, क्या बताया था इसका यूनिट, इसका यूनिट होता है बच्चा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मतलब मास हो गया, कहने का मतलब मास पॉजिटिव राइट, मीटर मतलब 1/L है, 1/L मतलब क्या, वॉट 1/L मतलब क्या, एम एल माइनस 1 राइट, अब सेकंड मतलब टाइम है, दैट इज वॉट दिस वन, क्या है ये देखो, जुगाड़ लगाओ, नंबर टू ऑप्शन इज करेक्ट, आई होप यू गॉट इट, यस और नो, बोलो रे बच्चा, थ्री लगा रहे हैं बच्चे, कैसे थ्री लगा रहे हैं बच्चा, हाउ इट शुड बी थ्री,
कैसे 3 होगा यार, दिख रहा है वहां पे केजी पर मीटर सेकंड होता है। यस वेरी गुड वेरी गुड। नंबर 2 वेरी गुड गिरिजा सिंह जी, आशुतोष पांडे वेरी गुड। गाइस डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग ऑन लाइक बटन, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फिल द फॉर्म ऑफ एसएससी जेईई मैकेनिकल लाइव कोचिंग। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन support@, जो ऑरेंज स्ट्रिप जो जा रही है जस्ट मेरे नीचे से देखो ऑरेंज स्ट्रिप जा रही है एडमिशन के लिए सपोर्ट्स एंड देयर इज अ फोन नंबर एज वेल, सो जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दैट। ओके नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो हियर 100 इक्वेशन दैट इज दिस GZ प्लस V स्क्वायर P बाय रो कॉन्स्टेंट अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन होल्ड ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू है ये? हाँ किसके लिए ट्रू है, किसके लिए सही है इक्वेशन ये? हाँ ये है कौन सा, लेकिन बच्चा ये इक्वेशन है कौन सा, ये कौन सा है? बर्नाली है तो हमें बर्नाली के अजम्पशन दिए हुए ऑप्शन में, तो मारो जरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। फ्लूड इज आइडियल होना चाहिए, फ्लू स्टेडी होना चाहिए, फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए, फ्लूड क्या होना चाहिए इनक्रिबसिबल होना चाहिए, फ्लो क्या होना चाहिए नॉन विस्कस, एंड फ्लो क्या होना चाहिए इररोटेशनल होना चाहिए एंड एप्लीकेबल अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन दैट इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाय पाई जी प्लस पी रो बाय जी इनटू जेड इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? सो व्हाट इट शुड बी, यस टेल मी द आंसर फॉर इट, यस व्हाट इट शुड बी। सो गाइस इट इज नन अदर देन व्हाट, थर्ड वन, स्टेडी फ्रिक्शनलेस एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। आई होप यू गॉट इट, यस और नो। समाप्त, यहां पे खत्म करते हैं एंड यू कैन चेक दैट वी हैव सॉल्व द 100 क्वेश्चन विद इन 85 मिनट्स। कितने में? 85 मिनट में 100 क्वेश्चन उड़ाए माय डियर। अभी राम आई एम फाइन आई होप, नहीं राम आई एम फाइन आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके गाइस पीपी मोस्ट वेलकम इन द सेशन, पवार प्रकाश ओके गाइस। नाउ सी, हाँ एक चीज और सुनो बच्चा, अब हम देखेंगे, ये तो क्वेश्चन हो गए हाउ मच क्वेश्चन वी हैव कवर। मैं आपको बता देता हूँ टोटल हिसाब दे देता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या करवाया आपको। मैंने आपको 6 मॉडल क्वेश्चन पेपर करा दिए, दैट मीन्स यहां से कितने 600 क्वेश्चन, राइट? और पेपर सेट कितने कराए बच्चा, पेपर सेट कितने कराए जो प्रीवियस ईयर पेपर है? ऑलमोस्ट वो 8 कराए हैं। कितने? 8। कितने करा दिए? 8, दैट मीन्स 800 क्वेश्चन वो, राइट? और कल एक कराया है उसके 50 क्वेश्चन, मतलब 850 प्लस 600 कितना हो गया बच्चा 1450 क्वेश्चन। 1450 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। मैंने टारगेट रखा था 15 सेट का, दैट मीन्स 1500 क्वेश्चन का, उसमें से 50 क्वेश्चन छूट गया बच्चा। सो उसके लिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट, राइट? इतना हो गया जस्ट बिकॉज की थोड़ी सी चीजें अप्स एंड डाउन हो गई, राइट? सो थैंक यू सो मच। एंड गाइज अब एक नया सेशन, अभी एक नया सेशन करेंगे अभी हम, अभी इसी पे कि दैट हाउ टू अटेम्प्ट द एसएससी जेईई पेपर, करें कि नहीं करें बच्चा बताओ जल्दी से, कि देखना चाहोगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, यस और नो प्लीज टेल मी। हाँ जी करें, अरे मोस्ट वेलकम, इसीलिए बैठे हैं बच्चा। अभी थैंक यू मत बोलो, अभी थैंक यू मत बोलो, अभी कल दोपहर को 12 बजे विल डू द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट शाम को 4 बजे। सो डोंट फॉरगेट, लाइव आके करूंगा आपके सामने, कॉल लगाऊंगा बच्चों को, उनसे पूछूंगा कि कैसा पेपर था। ओके सो गाइज कैन वी गो दैट हाउ टू अटेम्प्ट, ओके डियर, तो जस्ट वेट अगे, बिल्कुल जस्ट वेट करना, थोड़ा सा वेट करना एंड देन आई विल कंटिन्यू। ओके सो हियर जस्ट आई एम अपलोडिंग द स्लाइड्स, सो जस्ट वेट अ 4 मिनट माय डियर, तब तक बस ये स्लाइड्स लगा रहा हूं। ओके सो हियर वी गो, चलो कल का जो पेपर है, कल का पेपर मान लो उड़ा के आना है पूरा, ठीक है ना, बचना नहीं चाहिए कल का पेपर किसी भी हाल में। इतना पढ़ लिए हो हचक के कि एक भी क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो मैंने छोड़ा हो। सो गाइज हियर आई कम बैक, सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम हियर धीरज, वी प्रेजेंट यू व्हाट, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर फॉर एसएससी जेई, पेपर ऑफ एसएससी जेई को कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस। सो गाइज ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द सेशन, ओके सो कैन वी स्टार्ट, सो चलते हैं शुरू करें, कैन वी स्टार्ट नाउ, कैन वी स्टार्ट, ओके ओके। रोहित चौरा जी कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर बच्चा उसमें मैं डिस्कशन करता ना तो 1500 क्वेश्चन नहीं डिस्कस होते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रोहित चौरा जी, आई होप ओके। नाउ सी गाइस डोंट फॉरगेट टू फिल योर फॉर्म, और अगर आप ऐसे ही आगे भी टच में रहिएगा, सो गाइज नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट द सेशन। सो गाइज मोस्ट वेलकम इन द सेशन, ओके एंड हियर आई एम धीरज, आई वेलकम यू ऑल द textbook.com, दैट इज and the today's agenda is all about how to attempt paper for SSC JEE mechanical, right? कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कैसे नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे हाइड करना है, रिस्क कैसे लेना है, लेना है नहीं लेना है, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये सब चीजें बताऊंगा बस अगले कम से कम 30-40 मिनट मेरे साथ बने रहना, ठीक है? सो चलो बच्चा चले शुरू करें,
कैन वी स्टार्ट बड़ी, कैन वी स्टार्ट। और जैसे कि मैं बोल रहा हूं, टेस्ट बुक आपको बोल रहा है, फॉर्म भरना बिल्कुल नहीं भूलना है, फॉर्म भरना बिल्कुल नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर सब करना है। ओके, सो हियर वी स्टार्ट डियर, कैन वी गो, चले शुरू करें। अरे बोलो रे बच्चा। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। 27 फर्स्ट शिफ्ट, मैंने पहले बताया, फर्स्ट शिफ्ट का दोपहर को 12 बजे एनालिसिस होगा एंड सेकंड शिफ्ट का 4 बजे, ठीक है? या तो आप चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा, एक बार आ जाइएगा। ओके, सो हियर वी ग्लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जो आपकी यहाँ जो भी है, आपके क्वेश्चन भी लूंगा, आपके क्वेश्चन भी लूंगा। ओके, सो नाउ सी गाइस, सी आपका पेपर कैसा होगा, आपको जो ऑनलाइन स्ट्रिप दिख रही होगी, तो पहले तो आपके 3 सेक्शन है, मैं बताता हूं। देखिए, आपका होगा एक नॉन टेक पार्ट, राइट, एक होगा टेक पार्ट। अब बात को समझिएगा, ये होगा 100 नंबर का, ये भी होगा 100 नंबर का। ये टेक्निकल पार्ट दो चीजों में डिवाइडेड होगा, एक होगा रीजनिंग और एक होगा जीएस पार्ट, ठीक है? और ये टेक्निकल तो पूरा टेक्निकल होगा। पहले बात सुनना ध्यान से, ये 100 नंबर पहले पहले आप जाएंगे टेक्निकल में सीधे, फर्स्ट फर्स्ट फॉर अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट दिस वन, ये अटेम्प्ट करना है पहले आपको। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, मेरी बात सुनिए। नॉन टेक में जीएस पढ़ा होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रीजनिंग इतना लेंदी कि पहले अगर उसमें जाओगे तो पूरा एक तरफा जाओगे, फिर बहुमत में। ये सीधे सीधे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे रीजनिंग, तो सीधा बहुमत आएगा आपको। अब बहुमत से भारत में सरकार बनेगी, सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही बता चुका हूं। सिलेक्शन के लिए अल्पमत में आना होगा, क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट में क्या बहुत सारे लोगों का नाम होता है, वो होता है बहुमत, और सिलेक्शन लिस्ट में बहुत कम नाम होते हैं, वो होता है अल्पमत। तो सिलेक्शन तो अल्पमत से होगा सरकारी नौकरी में, भारत सरकार में, ठीक है? तो जीएस, अब जीएस में तो उसके बाद अगर आपने ये फिनिश कर दिया, और इसको फिनिश करना होगा बच्चा हार्डली बहुत होगा 35 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम अगर आपने लगा दिया मतलब फिर तो दिक्कत है भाई। और इसमें क्या करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं, आपको लगता है कि न्यूमेरिकल मेरे को आ रहा है, देखते ही आ रहा है, गो फॉर इट, अदरवाइज जस्ट इसको छोड़ दो अगले क्वेश्चन पे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने सुने नहीं होंगे कभी, तो उनको ब्लंडरी टिक मत करना है, उस पर सोचना मत ज्यादा, क्योंकि अगर उस पर सोचोगे ना बच्चा, 1-2 मिनट भी अगर उधर चला गया तो गए, क्योंकि इस 1-2 मिनट में जो क्वेश्चन हमें आते हैं, जो क्वेश्चन हमें आते हैं, ओके ओके ओके, वीडियो लिंक, हाँ बिल्कुल अभिजीत शर्मा जी, मैं सब कुछ लूंगा, बिल्कुल इसी वीडियो लिंक अवेलेबल है। ओके ओके, शिवा कुमार जी, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल, डोंट वरी। सो सी, फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस टेक्निकल क्वेश्चन पेपर, सो दैट there is a possibility, because you have already read the technical for almost, agar supposed to be, if you are from diploma, you have read it for 3 years, right? Ek saal ye taiyari kar liya, that is 4 saal to kara hai, to ye question to 100% probability ye banti hai ki technical mein hum धमाल मचा देंगे, पूरा ही मचा देंगे, तहलका ही मचा देंगे। सो इसमें प्रोबेबिलिटी काफी हाई बनती है, सो वी वॉन्ट अ गुड स्टार्ट, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, हमारे पास बैकअप आ जाए, राइट? सो इस चीज को पहले अटेम्प्ट करेंगे आप टेक्निकल को फर्स्ट। अब इस टेक्निकल में, इस टेक्निकल को अटेम्प्ट कैसे करना है, दैट आई विल टेल यू। उसके बाद पहले बताते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करना, आई विल डिस्कस इन डिटेल, डोंट वरी। सो सेकंड पे रीजनिंग पे नहीं आना, सेकंड पे जीएस में आना, एंड जीएस 50 क्वेश्चंस होंगे, दैट यू हैव टू डू इट विद इन बस 15 मिनट, बस 15 मिनट, या बहुत हो गया आप 20 मिनट ले लीजिए, बस विद इन 20 मिनट्स यू हैव टू फिनिश इट, 15 से 20 मिनट में फिनिश करना, यू हैव टू फिनिश द जीएस सेक्शन विद इन 15 to 20 मिनट्स। ओके, एंड रिमेनिंग जो भी बचेगा, दैट यू हैव व्हाट यू हैव, नाउ यू आर लेफ्ट विद व्हाट माय डियर, 20, 55, नाउ यू आर लेफ्ट विद 55 मिनट्स मोर, राइट? कितने 65, नाउ यू हैव 65 मिनट्स, राइट? सपोज टू बी आपने इसको 20 मिनट में फिनिश किया, यू विल गेट मैक्स टू मैक्स 65 मिनट्स ओवर हियर। रीजनिंग सॉल्व करो, रीजनिंग यहां पर लेंदी होगी, it needs lot of time, so sequence kya hona chahiye, that sequence will be of attempting paper, first tech, then gs part and then reasoning। agar ye sequence mein gadbadaye aap, aur koi yahan pe gaya pehle number pe, maan ke chalo, ye maan lo bachcha selection nahi ho raha, 100% guarantee deta hu is baat ki, I'm talking about general category, wo sabke liye applicable hai, okay? haan, negative marking I'll tell you, don't worry, negative marking I'll tell you, Shushmita Parida ji, I'll tell you, don't worry, okay? And now the technical how to attempt for each and every question. See, now pehli nazar mein jab hum review kar rahe honge, jo passion question, when you see the question first time, you will see the question first time, aap as you read, jaise hi aap read karenge usko, as you read you will come to know ki hai mujhse solve hoga nahi hoga, that will get definitely aapko andaaza ho jayega usme। So agar andaaza ho gaya ki ha ye question main laga le raha hu, laga dijiye,
बिल्कुल लगाइए, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मारिए, बिल्कुल मारिए, नो डाउट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और इस बात पे ध्यान देना कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। ये बड़ा ही खतरनाक वर्ड है, ये सिलेक्शन और रिजेक्शन तय करता है। बच्चा इनकरेक्ट पूछा होता है, बच्चा करेक्ट लगा कर आता है। दे आस्क फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द पीपल टेक द करेक्ट वन। आदत हो चुकी होती है, चार साल पढ़ा होता तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट द SSC ऑलरेडी टोल्ड यू कि SSC इज इंटरेस्टेड इन इनकरेक्ट, दैट इज इन अ रॉन्ग थिंग्स, नॉट करेक्ट। ये वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज अगर ये वर्ड्स आपने ध्यान से नहीं पढ़े माय डियर, इट विल लीड टू अ डिजास्टर, इट विल मेक अ डिफरेंस ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। अल्पमत से आपको डायरेक्ट बहुमत प्लेस कर सकता है ये वाला वर्ड इनकरेक्ट, सो प्लीज प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। ओके नाउ आई विल टेल यू ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकरेक्ट इनकरेक्ट नॉट करेक्ट, इस पर ध्यान जरूर देना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल मारिए। एंड सपोज टू इफ यू सी कि यार इसमें मेरे को डाउट है, बी एंड सी में डाउट आ रहा है मेरे को इस क्वेश्चन में, लीव इट। उसको आप एक ऑप्शन होता है ना कि रिव्यू के लिए, ऑप्शन लगा दीजिए, रिव्यू टिक मार्क कर लीजिए, तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ मेरे को लगता है बैगनी कलर, राइट ना, आई थिंक पर्पल कलर विल बी देयर, दैट विल शो दैट क्वेश्चन नंबर इज इन पर्पल कलर, एंड वॉट एवर द क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड दैट विल शो इन ग्रीन कलर, राइट ना, एंड द क्वेश्चन विच यू डोंट हैव अटेम्प्टेड दैट विल बी अपियर्ड इन रेड कलर, राइट। So, ऐसा कुछ कलर होगा, सो इट इज इजी टू लोकेट इट व्हेन वी फिनिश द होल क्वेश्चन पेपर। सी ये कर दिया, नाउ सपोज टू बी न्यूमेरिकल आ गया, इफ यू फेस की न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल जब आएगा बच्चा, व्हेन यू फेस द न्यूमेरिकल, सो एट दैट टाइम व्हाट यू डू, व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू विल कम टू नो कि हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एंड सिंपली रिमेंबर, बिलीव मी न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे तो बहुत हो गया 10-15%, दैट इज 10-15 मार्क्स, एंड दैट विल बी फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला बेस आएंगे, पुट द राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, राइट। बट सपोज टू भी आपको लगता है कि इसमें कुछ ट्विस्ट है एंड ये टाइम वेस्ट करेगा, एंड सपोज टू भी अगर न्यूमेरिकल सपोज टू भी इट इज सपोज टू भी 6-7 लाइन्स का है, कितने 6-7 लाइन का है, स्किप इट, डायरेक्ट छोड़ दो उसको, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, 6-7 जो लाइन पढ़ोगे उसमें टाइम जाएगा, सोचने में टाइम जाएगा, डेटा कलेक्ट करने में टाइम जाएगा, इक्वेशन लिखने में, अरे भैया क्या कर रहे हो, 2 मिनट ले लिया तुमने, एंड इस 2 मिनट में आप तो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कहां इस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, स्किप इट प्लीज। प्लानिंग बहुत बहुत जरूरी है, दैट हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर ऑफ SSC JEE माय डियर, बिलीव मी, ओके सो डू इट, एंड वंस यू फिनिश द 100 क्वेश्चन ऑफ टेक्निकल, ऐसा आप 100 क्वेश्चन फिनिश कर लेंगे, डू इट, गो फॉर GS, GS में भी ऐसे करेंगे, GS में क्या होगा, दैट यू विल हैव व्हाट, ऐसे ही करना है, इफ यू नो यू आर श्योर कि हाँ इसमें इतना करेक्ट है, गो फॉर इट, मार्क करिए, एंड सपोज टू बी आपको लगता है कि एक क्वेश्चन है सपोज टू बी इन बी एंड सी, इसमें से बी एंड सी हो सकता है, तो जो आपको लगता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसको मार्क कीजिए, एंड मार्क इट फॉर रिव्यू, उसको भी मार्क कर दीजिए रिव्यू के लिए, ये भी हो गया, ओके, एंड इन दिस वे दैट यू विल फिनिश 15 मिनट्स में GS। आएगा तो मारोगे, आएगा तो मारोगे, नहीं तो आगे 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 आगे, लाइक दिस, आई होप यू गॉट इट, यस और नो, ओके, यू आर गेटिंग ना, सबको समझ आ रहा है ना गाइस, गाइस प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, ओके, सो अब ये GS के जब आप मार दोगे ना 15 मिनट में, जब 15 मिनट ही लगने चाहिए, मैं बता रहा हूं बार बार, टेक्निकल 35 मिनट से अगर ज्यादा लग गया आपको, क्योंकि वन लाइनर आता है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होता, 6-7 लाइन का न्यूमेरिकल बिल्कुल छोड़ देना, 6-7 लाइन जिसमें लिखी होंगी वो न्यूमेरिकल बिल्कुल पढ़ना नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ दो, जब टाइम मिलेगा एंड में तब काउंटर करेंगे ना, मैं बता रहा हूं, देखो ये हो गया रीजनिंग का भी आप ऐसे ही करेंगे, जस्ट सॉल्व, रीड इट केयरफुली कि क्या बोल रहा है, रीजनिंग बहुत लेंदी होती है, एंड इसमें भी आपको वैसे ही करना है, इफ यू कंफर्म गो फॉर इट, नहीं कंफर्म, हाँ एक बात और बता देता हूं, उसमें एक क्वेश्चन आता है, आई नो रीजनिंग का टाइप, बट मेरे को लगता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, लाइक ABBC, फिर वो यहाँ पे गैप होता है, फिर DFBBC ऐसे पूछता है ना, और पूछता है कौन सा आएगा, भैया एक बार में आए तो ठीक है, नहीं तो लीव इट, छोड़ दो इसको, नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, स्पेसिफाई कर रहा हूँ, रिमेंबर अनदर वन इज कोडिंग की ROF रिप्रेजेंटेड बाय दिस 992, राइट, ROF रिप्रेजेंटेड बाय 992, राइट, सो अब व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ DOF, सो इसमें आपको एक बार में पता चले तो ठीक है, नहीं तो जस्ट लीव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मिरर इमेज आएगा, इमेजेस पे आएगा, वो आपको बनेगा, यार क्यों वेस्ट कर रहे हो 2-3 मिनट इस पे, टाइम इज वेरी प्रीशियस, मैंने पहले ही बताया SSC JEE इज सर्चिंग फॉर द मिक्सचर ऑफ रजनीकांत एंड इंजीनियर, बिकॉज 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन लगाना ये इंजीनियरिंग कर सकता है और रजनीकांत, ये दो लोग कर सकते हैं, आइदर रजनीकांत और ऑनरेबल रजनीकांत, आई एम वेरी सॉरी, बहुत अच्छे एक्टर रहे हो, ही इज वेरी फेमस, सो रजनीकांत कर सकता है या तो इंजीनियर, एंड दे
और जो रजनीकांत होगा एंड प्लस इंजीनियर होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी जेई में. सो वी हैव डन इट. नाउ नेक्स्ट फेज आता है. अब नेक्स्ट फेज आता है, नेक्स्ट फेज आता है कि वी हैव सम क्वेश्चंस. ओके आई विल टू एच एंड एवरीबडी, सबका क्वेरी लूंगा एट द एंड, डोंट वरी. ओके नाउ सपोज टू बी नाउ, अब ऐसा होगा आपके पास, नाउ यू हैव फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस होंगे जिनपे क्या होगा, यू हैव मार्क पर्पल कलर, पर्पल कलर दैट इज वॉट, पर्पल कलर से मार्क होगा एंड दैट इज नन अदर देन वॉट माई डियर, एक पर्पल कलर वाला होगा, दैट इज वॉट फॉर रिव्यू, दैट मीन्स यू आर श्योर इन दैट. उसमें दो ऑप्शन में से आपको एक में डाउट है, दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया, एक होगा रेड कलर से जो आपने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं करा, राइट ना, ऑप्शन दिया ही नहीं. तो इस पे नहीं आना है बच्चा, इस पे आना है पहले, एंड मेक श्योर कि आपको ये रिव्यू के लिए जो करा है तो इसमें से कौन सा इसको रिव्यू से हटाए, सेव कर दे, इफ यू आर श्योर कि हाँ ये हो सकता है. ओके तो हो गया ये खत्म. अब ये हो गया, फिर आएंगे रेड पे, रेड पे, और रेड पे कब आएंगे, ये रेड पे कब आना है, उसके पहले आपने टेक, जीएस और रीजनिंग ये मिला के अगर आपने 160 का अटेम्प्ट कर दिया है, रेड वाले को हाथ मत लगाना, रेड वाले को हाथ मत लगाना, जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आ नहीं रहे. अगर यू हैव अटेम्प्टेड 160 प्लस, मींस इन द रेंज ऑफ सपोज टू बी यू हैव अटेम्प्टेड 170 टू 170, गाइस डोंट गो फॉर दिस रेड वन, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, डोंट अटेम्प्ट, इट इज मोर देन सफिशियंट, इज इज ओपन कैटेगरी, हाँ मोर देन सफिशियंट 160 टू 170 रेंज, बिकॉज आपने जो टिक करा है इट इज क्वाइट नीट एंड क्लियर, आपने कोई तुक्का नहीं मारा है, यू हैव डन नथिंग नथिंग नथिंग, यू आर श्योर. अरे बहुत हो गया तो पर्पल कलर के कितने होंगे, बहुत होगा तो हार्डली इट विल बी अराउंड 8 क्वेश्चंस, 8 to 10 ना, 8 to 10, और 8 to 10 में सपोज टू बी हम मान लें वस्त वस्त कैटेगरी में 5 से 5 क्वेश्चन गलत होंगे, 5 सही होंगे, ये मान लेते हैं, सपोज टू बी एक वर्स्ट केस बता रहा हूं, 5 क्वेश्चन तो राइट होंगे माय डियर, क्योंकि आपने 2 को एलिमिनेट करा है, 50% प्रोबेबिलिटी बनती है, राइट ना. सो 50 तो मतलब 5 नंबर आएंगे और जाएंगे कितने, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट मींस हाउ मच, 5 × 15 1.5, मतलब आपको मिलेगा कितना, यहां से मिल जाएगा 3.5, मिला कि नहीं मिला 3.5, अरे बोलो अरे बच्चा मिला ना 3.5, हाँ ओके हाँ 3.5 मिल गया, मतलब फायदा हुआ, मतलब ये रिव्यू वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बात सुनो ध्यान से, रिव्यू जिसने मार्क किया है उस क्वेश्चन को लगाकर ही आना, छोड़ के मत आना, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी हाई होता है करेक्ट होने का, लेकिन ब्लंडर अगर खेला तो सीधा सीधा बहुमत वाला खेल होगा, बहुमत जो कि अभी नीतीश कुमार को चाहिए बिहार में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, 11 को पता चलेगा, लेकिन आपका पूरा लाइफ बेस है, वो तो अगली बार लड़ लेंगे इलेक्शन, फिर से आ जाएंगे सत्ता में, लेकिन आप कब आओगे, तो ये मौका छोड़ना मत, मैं बता रहा हूं, जो सुनो ध्यान से, ठीक है. अगर 160-170 प्लस है तो ये जाना नहीं है, लेकिन अगर आप सपोज टू आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी, हाँ मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओबीसी एससी एसटी, व्हाई इट इज सो, बिकॉज एससी एसटी वाले भी अगर जनरल कैटेगरी से कंपीट करेंगे ना, सो माय डियर उनको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, राइट. आई होप यू गॉट इट वेरी ओके. नाउ सी अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो गाइस, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट. ओके सो अब ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको लगता है यू हैव काउंटेड टेक जीएस एंड रीजनिंग एंड यू फाउंड दैट कि इसमें मेरा अगेन 130-140 बन रहा है, माय डियर आपको अभी 20 मार्क्स आप लेस हैं, तो आप रिव्यू तो करेंगे ही, रिव्यू क्वेश्चन आप जाएंगे ही, इसको तो लगाएंगे ही, इस पर डिसाइड करेंगे, इसका आंसर करेंगे, लेकिन जो रेड वाले हैं, रेड वाले तो रेड वाले के लिए भी जाएंगे आप, एंड जब भी आपका 160 हो जाएगा यू विल स्टॉप, छोड़ देंगे आप बाकी, प्लीज कीप इन माइंड, मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे करके मैंने 2 बार किया है प्रीलिम्स क्वालिफाई, रिमेंबर हा, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया है, उनकी चीजें बता रहा हूं जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं. ओके सो 160 जैसे आएगा या बहुत हो गया 165 एक्सट्रीम कंडीशन, स्टॉप इट. एंड ये रेड, आई विल टेल यू कि रेड वाले को कैसे डिसाइड करना है, रिमेंबर. तो जब ये रेड वाले के लिए आप जाएंगे तो अगेन यू विल फॉलो द सेम सीक्वेंस, पहले टेक्निकल, कि टेक्निकल में कितने रेड मार्क हैं उनके लिए जाएंगे, देन विल गो, दैट इज 140 देखा आपने, 140 देखा, एंड देन विल गो फॉर द जीएस, अगेन सेम सीक्वेंस, देन अगेन यू विल गो फॉर द सेकंड राउंड ऑफ टेक्निकल, देन गो फॉर जीएस, देन गो फॉर रीजनिंग एंड पुट इट 160-165. ऐसा नहीं कि लेकर ही आना है, रिमेंबर, हो सकता है पेपर हार्ड हो, इफ यू पॉसिबल कि हाँ रेड में, अब ये रेड वाले को अटेम्प्ट कैसे करना, हाउ टू अटेम्प्ट दिस रेड मार्क, दिस रेड जोन, जो रेड अटेम्प्टेड रेड मार्क क्वेश्चन है, दैट इज यू हैव नॉट अटेम्प्टेड इट, अनअटेम्प्टेड, राइट ना बच्चा,
इट इज नॉट अटेम्प्टेड ना, हाँ है ना, अरे बोलो मजा आ रहा है ना, यू आर गेटिंग इच एंड एवरीथिंग, यस और नो, ओके लास्ट मिनट ना से। अब जब ये रेड मार्क पे आप आ रहे होंगे, सेकेंड राउंड आपका चल रहा होगा, हार्डली आपके पास 20 से 25 मिनट बचा होगा, 20 मिनट तो बचा होगा 100%, 20 मिनट जैसे मैंने बताया वैसे पेपर पर करोगे तो माय डियर बिलीव मी 20 मिनट आपके हाथ में होंगे फॉर द सेकेंड राउंड, ठीक है। सो गाइस सी, जब आप टेक्निकल में जाएंगे, टेक्निकल में, तो टेक्निकल में आप कोशिश करेंगे कि रेड मार्क में जितने भी टेक्निकल में रेड अटेम्प्टेड है ये पूरे कर दें आप, ये मैक्सिमम करें यहां से, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट। सपोज टू बी रेड मार्क में 10 क्वेश्चन है तो इसमें से आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो कर ही दें, कम से कम, मिनिमम लिस्ट एटलीस्ट। हाँ, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज गाइज यहां पे आपने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी है, योर फंडाज आर वेरी क्लियर माय डियर। एंड सपोज टू बी ऐसा है कि नहीं सर मैंने तो ऑलरेडी 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, 10 ही क्वेश्चन बाकी है टेक्निकल में, भैया मत जाओ फिर, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी जेईई ने इसलिए डाले थे कि बच्चा फंसे, राइट। सो अगर आपको लगता है इसमें मेरे को आंसर नहीं मिल पा रहा है या मैं बिल्कुल ब्लंड हूं, तो ब्लंडर नहीं मारना है, अंधा तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, पहली बात। अब लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ए बी सी डी ऑप्शन है, अब अननोन क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, अंदर से फील हो जाएगा आपको थोड़ा बहुत, थोड़ा फील हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा जब फील हो जाएगा आपको अंदर से कि हां मैं कर सकता हूं, राइट, थोड़ा जब फील हो जाएगा, सो एट दैट टाइम रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एंड उस टाइम पे क्या पता होगा, यू नॉट नो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, वट यू डू, बट उसमें कुछ ऑप्शन एसएससी ने ऐसे जरूर डाले होंगे जो नहीं हो सकते, दैट विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट, वो इनकरेक्ट ऑप्शन जरूर डालेगा उसमें। सो एट दैट टाइम माय डियर यू हैव टू जस्ट एलिमिनेट जो नहीं हो सकते उनको मार्क करो, बचेंगे दो, इसमें से फिर एक और मार्क करो, जस्ट गो फॉर दिस, राइट, ऐसे करना है। आई होप यू गॉट इट, यस और नो गाइज प्लीज लेट मी नो, यस और नो, यस, ओके, एलिमिनेशन मेथड, दैट इज सकीफ फजल, यस यू गॉट इट सकीफ फजल जी, वेरी गुड, ओके। एंड वंस अगेन एक चीज और बोलूंगा आपको कि जब आप एक करेक्ट ऑप्शन कर चुके होंगे, करेक्ट ऑप्शन आपने कर लिया, यू हैव, अगर आपने 90 टच कर दिया टेक में, उससे ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जो 8-10 क्वेश्चन है एसएससी ऐसे जरूर डालेगा कि बच्चा फंसे, और यू हैव बट फर्स्ट टाइम आपने पहली बार देखा होगा वो क्वेश्चन, सो डोंट पुट अ ब्लंडर बिल्कुल नहीं खेलना, ठीक है। टेक हो गया, उसके बाद वैसे ही आप जीएस में आएंगे, एंड आपको अगर लगा कि ये क्वेश्चन टेक करने के बाद आपका 160 हो जाएगा, प्लीज स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल स्टॉप करना है, बिकॉज जो भी क्वेश्चन हमारे पास है वो अनअटेम्प्टेड है, आपको पता है कि वो क्वेश्चन में आपको डाउट है, नहीं आ रहा है, अरे भैया क्यों कर रहे हैं, 160 तो कर दिया, आप कितना करेगा, 200 करेगा, 200 में सिलेक्शन नहीं, हमें सिलेक्शन लेना है, ओके, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं बच्चा, ध्यान से, है ना। अब हमने कर दिया 160 कर दिया, अरे 160 आपने करा है विथ एक्यूरेसी करा है भाई डियर, इसमें बहुत हो गया तो कितना 5 नंबर इधर उधर होगा, 160 कर दिया, ऐसे जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, जो 140 पे थे वो 160 पे आ गए, तो उनके लिए बहुत बेटर हो गया ये। लेकिन जो 160 पे हैं, अगर उनको लगता है कि रेड में मैं ये कर सकता हूं एलिमिनेशन करके, डू इट, गो फॉर इट, तो वो 165 तक पहुंच सकते हैं, राइट। ये हो गया टेक्निकल का पार्ट, यू विल डू द जीएस इन द सेम फैशन, जीएस में आप ऐसे ही करेंगे, जीएस में आपको लगता है कि ये दोनों में से कोई हो सकता है, ऐसा हो सकता है, फिर एलिमिनेशन, यूज एलिमिनेशन, ठीक है, एंड फिर चेक द काउंट चेक करते रहना कि मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना हो गया है, इट इज 170-160 कितना हो गया है, जितना हो गया होगा उसके हिसाब से, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैक्स टू मैक्स यू कैन अटेम्प्ट ओनली 165-170, दैट्स इट, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, अगर आप इसे ज्यादा करें माय डियर यू हैव ब्लंडर, प्ले अ ब्लंडर रोल, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होगा, मैंने ये बताया है बिल्कुल एक एक्यूरेट, अरे यार इसमें से कितना कटेगा यार, कितना क्वेश्चन का मार्किंग चाहिए, हमको लाना है 155, 55 नंबर की मार्किंग ऑलरेडी होगी, सॉरी 15 नंबर की, अब कितना चाह रहे हो, 30 नंबर का मार्जिन नहीं आएगा, ओके, आई होप यू गॉट इट, ना सी, ये हो गया। अब अगर ये हो गया आपका 160-165 मैक्स, मैंने बोला है 165-165, 70 तो बहुत ज्यादा हो गया, ओके, सो इतने में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा बच्चा। लेकिन अगर पेपर आसान आता है, सपोज कि आपको फील हो जाएगा उस टाइम पे कि पेपर आसान आता है, आपको लगता है कि हाँ 170 से ज्यादा हो रहा है अटेम्प्ट, गो फॉर इट, लेकिन कब, श्योरिटी के साथ, यू शुड बी श्योर विथ 100%, बिकॉज माय डियर ये जो आपने अटेम्प्ट करा इट इज वेरी श्योर, और अगर यहां पे आपने अगर और इससे आगे जा रहे हैं आप, एंड अगर इफ यू हैव पुट इट रॉन्ग आंसर,
रॉन्ग आंसर, इट विल लीड टू नेगेटिव, और वो क्या होगा फिर 170 में से माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से. सो स्टार्ट होगा, दैट विल लीड टू डिजास्टर. वो फिर सीधे आपको बहुमत में डाल सकता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई होप यू आर गेटिंग वेरी गुड. ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट, गाइस प्लीज टेल मी. अब ये देखिए, ओके ओके, डोंट जस्ट लिसन टू मी रोहित एंड ऑल ऑफ यू सकीब गाइस, छोड़ दो बाकी लोगों को, उनको छोड़ो, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब अगर 170 तक हम पहुंच गए बच्चा, 170 इज अ मैक्सिमम लिमिट, यू नो दैट. 170 नंबर का आप कर आ गए, उसमें से भी अगर आपको 150 नहीं आ रहे, मतलब एक्यूरेसी लेवल कहां गया भाई आपका, क्या किया है आपने, मतलब आप सिर्फ एक भीड़ बन के आए जो एनालिसिस को गलत बोलते हैं. मेरे हिसाब से 160-170 इज अ बेस्ट अटेम्प्ट, इज अ सुपर अटेम्प्ट माय डियर, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये. अब कोई बोले कि नहीं मैं तो 190 करूंगा, 190-195, अरे भैया उसमें से कम 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे डालेगा जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे आप, आपको आएंगे ही नहीं वो. तो यहीं से रिड्यूस हो गया कि उन्होंने तो ऐसे क्वेश्चन डाले कि जो 175 क्वेश्चन आप कर सकते थे उसमें से आपने कितने कर दिए, 160-170 बहुत है ना भाई, 175 में से 175 नंबर लो थोड़ी लाने, 160-170 मोर देन सफिशिएंट बड़ी. ओके, याद रखना पहले टेक, बाद में जीएस, बाद में रीजनिंग प्रीव्यू, फिर बाद में प्रीव्यू को करना है, प्रीव्यू के बाद फिर टेक, फिर जीएस, फिर रीजनिंग. एंड आपको निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है मैं बताता हूं अभी. देख रहे हैं आप, हेलो ओके, कल मॉर्निंग है ना पेपर श्रवणनाथ जी, बिल्कुल कल मॉर्निंग में हम दोपहर में 12 बजे सेशन कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे मॉर्निंग शिफ्ट का, एंड देन वील डू दम व्हाट एनालिसिस ऑफ सेकंड शिफ्ट एट 4 PM शाम में, ठीक है. एंड गाइज वॉट एवर, श्रवणनाथ, अजीत कुमार, रोहित चौरा, प्लीज गाइज ड्रॉप योर नंबर्स, आप अपने नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा यहाँ पे, जो सब नहीं यहाँ पे नहीं, कमेंट बॉक्स में नहीं, जस्ट सेंड योर नंबर in the or we can say just fill the form, fill कर दीजिए, definitely we'll call you. Okay, हाँ definitely मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है. हाँ अभी तो आपके पास, मैं वही बोल रहा हूं कि आपको prelims qualify करना is a big task, once you do it चीजें आसान हो जाएंगी, almost आपके selection तय हो चुके होंगे 80%. If you crack the prelims my dear, आपका 70-80% selection तय हो जाता है वहीं पे, because भीड़ बहुत ज्यादा होगी वहां पे, ठीक है. Now, अब नेगेटिव मार्किंग का सवाल आता है, ठीक है. नेगेटिव मार्किंग का क्या सवाल आता है देखो बताता हूं. इन्होंने नेगेटिव मार्किंग क्या रखी है, 0.33 रखी है ना, 1/3 रखी है ना, 1/3 रखी हुई है, राइट, 1/3 है ना. आई होप यू गॉट इट. हाँ सकीब फैजल जी, आई होप कि आपको आराम से 50-60 नंबर मिल जाना चाहिए यार, आई होप सो. अभिषेक अग्रवाल, द क्लासेस टाइमिंग इज एट 6 PM रेगुलर, शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कल जो एनालिसिस होगा, कल 12 बजे और शाम को 4 बजे, आई विल शो यू द शेड्यूल, सी द शेड्यूल ऑफ इट. आई होप आपने शेड्यूल देख लिया होगा. सो नाउ सी नेगेटिव मार्किंग कैसे बचे नेगेटिव मार्किंग से. सो 133 मतलब कितने ऑप्शन होते हैं, ABCD, 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है. और प्रोबेबिलिटी कितना है, अगर कोई ब्लंडर है, सपोज टू बी किसी को कुछ पता नहीं हो, भीड़ से मुंह उठा के बैठ गया सीधे आके, कौन हो, सो रहा था अभी तक और आके मुंह उठा के बैठ गया है या बैठ गई है, तो ABCD अगर वो इसमें से ब्लंडर खेलेगा तो कोई भी ऑप्शन ट्रिक करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उसका प्रोबेबिलिटी यह है कि 25% प्रोबेबिलिटी है कि उसका ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन 75% प्रोबेबिलिटी है कि उसका आंसर क्या होगा, गलत. हाय है ना बच्चा, है कि नहीं, देखो खेल समझो. तो मतलब यह है, अगर उसने एक क्वेश्चन राइट भी कर लिया तो उसको कितना नंबर मिला बच्चा, 1 नंबर मिला. और अगले तीन क्वेश्चन अगर उसने गलत कर दिया तो नेगेटिव 0.33 मतलब कितना हो गया, 0.99, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 मार्क गया, मतलब उसके आंसर कितने हो गए, 0. मतलब 5 क्वेश्चन में उसको कितना नंबर मिला, 0 मिला कि नहीं मिला, 0 मिला. और जितना भी कर लेगा, कितने हैं, 100 क्वेश्चन, मतलब कितने मिलेंगे उसको, 20 नंबर मिलेंगे और वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट 0 में. आई होप यू गॉट इट, खेल समझ गए. लेकिन जैसे ही हम एलिमिनेशन करेंगे, व्हेन वी गो फॉर एलिमिनेशन, अगर हमने, अब खेल समझो, इस खेल को समझो जरा, इस खेल को समझिए, वेरी गुड. ओके हाँ 12 बजे एंड 4 बजे सेशन होगा जरूर, डोंट वरी. ओके अभिषेक गौतम, प्लीज गो फॉर द 360 डिग्री प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी For SSTJE, which is available in the same channel. Okay. वही बता रहा हूं मैं, ER राजा पटेल जी, वही बता रहा हूं, से
अब देखिए, नहीं और ऐसा कुछ नहीं बनाना कि मैं 85 क्वेश्चन टेक्निकल से करूंगा, यहां से इतने करूंगा, नहीं, जितने जहां से मिलेंगे हम उतने करते चलेंगे। पहली नजर में सिर्फ जो श्योर है, जिसपे श्योर है उसी को मार्क करेंगे, जिसपे श्योर नहीं है उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे हम। या किसी में डाउट है, दो ऑप्शन में डाउट आएगा तो मैंने बताया आपको, उसको मार्क करिए, प्रीव्यू के लिए डाल दीजिए, तो एट दी एंड हम उसको नोट वो कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे। ओके सुनो, अगर इसमें से आपने एक भी एलिमिनेट कर दिया, मतलब एक एलिमिनेट कर दिया मतलब आपके प्रोबेबिलिटी कितनी है, 33% है, जो पहले कितनी थी 25% थी करेक्ट करने की, आप कितनी होगी 33। अगर आपने दो कर दिए तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, 66% प्रोबेबिलिटी हाई है आपकी ऑप्शन करेक्ट करने की, ऑप्शन करेक्ट करने की। सी गेम देखो, आपने दो ऑप्शन करेक्ट कर दिया माय डियर, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया आपने, ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, सी एंड डी, तो इसमें से एक ही ना गलत होगा। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हाई दैट इज राइट ऑप्शन इज 66%, हाई है ना, आउट ऑफ फोर के कंपैरिजन में बोल रहा हूं, हाई है ना, बिल्कुल है ना। दैट मीन्स एक तो वही हो गया, दैट मीन्स दैट्स वाई ऐसे है कि जो प्रीव्यू मार्क करोगे ना आप, दो में से एक राइट है, मेरे को डाउट है, इट इज उसके लिए बिल्कुल जाना है, उसमें जरूर टिक कर कराना एक ऑप्शन को, कुछ भी हुआ गिरी हालत में भैया 3.5 नंबर आएंगे, 3.5 नंबर, और बहुत अच्छी किस्मत और अच्छी रही तो हो सकता है पूरे 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, वैसे तो हो सकता है कम से कम 6-7 नंबर आ जाए, हाँ या ना, खेल समझ गए। ओके, आई होप यू गॉट इट, यस एंड नो गाइस। ओके, नॉर्मलाइजिंग क्राइटेरिया दैट आई विल टेल यू, राजा पटेल जी वो बहुत बात की बात है, आई होप यू गॉट इट, यस एंड नो, नॉर्मलाइजिंग समझ गए, निगेटिव मार्किंग का फंडा क्या है, निगेटिव मार्किंग का फंडा, आई होप यू गॉट इट, एंड गाइस यस एंड नो प्लीज टेल मी, हैड यू गॉट इट, यस एंड नो, नाउ आई विल टेक योर क्वेरीज, अब किसी को कोई क्वेरीज है, नाउ यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज नाउ, यस माय डियर फ्रेंड्स, नाउ यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज। हाँ लोकेश लोकू, कैन यू टेल मी व्हाट अगेंस्ट, टेल मी सर, ओके, रेलवे में बहुत इफेक्ट किया था, हाँ डेफिनेटली इसमें भी इफेक्ट होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, डोंट वरी, इट डिपेंड ऑन द पेपर सेट, की पेपर सेट कैसा था वो, एंड दैट विल बी डिसाइड बाय द एसएससी जेईई इटसेल्फ। ओके यस, एनीबडी हैव एनी क्वेरीज नाउ, यू कैन आस्क योर क्वेरीज वन बाय वन। ओके सर, एसएससी जेईई में यूनिवर्सिटी कौन से, सर मैंने टेस्ट बुक का पास लिया है, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, वेरी गुड रोहित, नेगेटिव मार्क्स, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नेगेटिव मार्किंग का वही फंडा बता रहा था। सी अगेन आई विल टेल यू, बच्चा देखो, नेगेटिव मार्किंग बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको एबीसीडी ऑप्शन होगा, नेगेटिव मार्किंग इज 0.33 इन द एसएससी जेईई, होगा क्या बच्चा, अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, मींस अगर आपने एक भी एलिमिनेट करने का ना, तो 25% चांस है कि आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, और आप तुक्का मारते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक भी ऑप्शन वो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कि ये तो नहीं हो सकता, तो 3 में से कितना हो जाएगा, 33%, राइट, और अगर एक और एलिमिनेट कर दिया तो कितना परसेंट हो जाएगा, 66%, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि प्लीज एलिमिनेट द ऑप्शन, और एसएससी जेईई जरूर ऐसे ऑप्शन जरूर देगा उसमें एक दो जो बिल्कुल नहीं हो सकते, वो आपको पता ही होंगे, राइट, सो एलिमिनेट दैट, ओके, एंड दिस वे यू हैव टू अटेम्प्ट, आपको ऐसे तुक्का मारना है। ओके कल का पेपर है, नहीं यार वजाहत जी, मंत्र बस यही है जो मैंने बताया है अभी आपको, 1 घंटे से बता रहा हूं कि वही चीज है। ओके थैंक यू सो मच जावीर अबली जी, सर जितनी सीट है उससे हिसाब से टोटल 1+2 मिलाकर कितने मार्क्स आ जाएं, 1 to 1+2, दैट मीन्स प्रीलिम्स प्लस मेंस बोथ करना है, मेंस में बिल्कुल क्लासेस लेकर आएंगे, डोंट वरी, प्रीलिम्स में अगर आप लेकर आ जाते हैं ऑलमोस्ट, अगर आप लेकर आ गए 155 या इससे ज्यादा नंबर लेकर आ गए, 155 अगर आपको आ गए मिनिमम नंबर, एकदम मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल जस्ट बॉटम पे 155 लेकर आ गए जनरल कैटेगरी, ओके, और इधर अगर आपने ला लिए 180 लगभग 300 में से, ये 200 में से हैं, यहां 300 में से अगर आप 180 और 200 की रेंज में लेकर आ गए, यू आर जेई नाउ, सीधा सीधा 55,000 रुपए, 55 के रुपीज मिलेगा, बंगला अलग से, घाड़ी और क्या मिलेगा, घर अलग से। ओके आई होप एग्जैक्ट मैंने बता दिया आपको, 180 टू 200 के बीच में नंबर लाना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, कल जो है जितने भी लोग हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है, एंड प्लीज ड्रॉप योर नंबर इन द, जो नंबर ऑरेंज स्ट्रिप में आ रहा है ना, जो मेल आ रहा है उस मेल में ड्रॉप कर दीजिए अपना नंबर, एंड जस्ट मेंशन योर नेम एंड की एसएससी जेई लाइक दिस, ओके, या तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ओके, यस एनीबडी हैव एनी और कोई क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी, यस एनीबडी, यस वेरी गुड इवनिंग,
धाकर जी मोस्ट वेलकम, लोकेश मीना मीना जी यूनिवर्सिटी ने एसएससी वो है, यूनिवर्सिटी कहां से आ गई यार लोकेश जी, ओके थैंक्स अ लॉट, मोस्ट वेलकम, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मैं बता रहा हूं आपको अच्छा लोकेश जी, लोकेश जी आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ला पाए, लेकिन अगर आपका कट ऑफ देखा जाए तो मेरे को लगता है आपका कट ऑफ हार्डली 130 पे आ रहा होगा, शायद 130 120 पे एग्जैक्टली तो नहीं पता बिकॉज मैं एससी एसटी का नहीं देखा हूं। ओके एससी के लिए बता दूं आपको मनीष कुमार जी, इस बार एससी का सिलेक्शन जो फाइनल सिलेक्शन हुआ इस बार 2018 का जो रिजल्ट आया है उसमें एसएससी जेई का जो फाइनल कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है माय डियर कितना, आई थिंक 212 पे, सॉरी 212 बोल रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, ये हुआ है आई थिंक 212 पे हुआ है शायद, 212 नंबर पे हुआ है सिलेक्ट, 212 पे सिलेक्ट हुआ है वो बच्चा। 2018 का रिजल्ट बता रहा हूं आपको, फाइनल सिलेक्शन दैट इज प्रीलिम्स प्लस मेंस, आई होप यू आर गेटिंग ओके ओके। ईआर वजाहत जी, ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन कैटेगरी से 5-10 मार्क्स लेफ्ट, 10-12 नंबर कम मानिए बस, इससे ज्यादा नहीं। वेरी गुड इवनिंग आदित्य राज, यस एनीबडी हैव एनी क्वेरीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन, डू इट। अनिल सरोज, हाँ अनिल सरोज जी, अगर आप एससी हैं तो आपका कट ऑफ लास्ट 2018 का गया था 212 एंड फॉर ओपन कैटेगरी आई वांट टू टेल यू कि 2018 का कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी के लिए गया था फाइनल सिलेक्शन 304 नंबर पे, 304.56 ऐसा कुछ तो था ओके फाइनल, दैट इज प्रीलिम्स प्लस मेंस बता रहा हूं ये मैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस। यस एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन, यस प्लीज टेल मी ओके। गुड इवनिंग साधना सिंह जी, मोस्ट वेलकम इन द सेशन, यस एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो नाउ, और कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। जनरल के लिए 304, आई रिपीट वंस अगेन 2018 का जो कट ऑफ आया है फाइनल उसमें जनरल कैटेगरी प्रीलिम्स प्लस मेंस 304 पे आया है कुछ, आई थिंक 656 ऐसा कुछ है, 304 पॉइंट समथिंग कुछ है, 304 पॉइंट समथिंग कुछ। यस एनीबडी हैव एनी टिल ओके जनरल के लिए, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नहीं नहीं अभी कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे ओके। गुरमीत गुज्जर जी ITBP का, गुरमीत जी गुज्जर जी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन हाँ आप जरूर है जो ये नंबर दिख रहा है, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है ना यहाँ पे ऑरेंज स्ट्रिप में, देखिए एक नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपका डाउट दूर हो जाएगा, या तो यू कैन पुट अ मेल दैट इज support@testbook.com। सर जीके क्वेश्चन क्या कोरोना टाइम का हुआ कुछ भी आएगा क्या, हाँ कोरोना का क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, आ सकता है ओके थैंक्स। आरआरबी एनटीपीसी में कितनी सैलरी है सर, अब डिपेंड करता है आरआरबी एनटीपीसी में आप कौन सी पोस्ट पे जा रहे हैं। ईआर वजाहत जी आप पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी होल्ड तो नहीं होगी, सीनियर दैट इज अ डिसीजन ऑफ अ गवर्नमेंट, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा वेदर इट हैज बीन होल्ड और व्हाट, गवर्नमेंट को डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट दैट आई कैन नॉट आंसर, वो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। लोकेश लोकू जी मोस्ट वेलकम इन द सेशन, वेरी गुड, यस एनीबडी हैव एनी क्वेरीज, यस गाइस कम ऑन बी फास्ट, हां थोड़ा सा जल्दी बताओ सो दैट आई कैन आंसर, बिकॉज आपको अभी जल्दी से सोना है, आराम से खाना है और कल निकल जाना है सुबह, ठीक है अपने अपने सेंटर पे माय डियर। मैंने बताया ना आदित्य राज, मैकेनिकल कट ऑफ 2304 ओपन कैटेगरी 304 नंबर प्रीलिम्स प्लस मेंस। निर्मित पी सर यू टीच नाइस सर, ओ थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन इट इज, एंड मैं बताऊं आपको ये पूरी टीम करती है, जब ये पूरी टीम काम करती है ना टेक्स्ट बुक्स तो माय डियर फिर अच्छी चीजें हो जाती हैं। गुरमीत गुज्जर आई रिपीट वंस अगेन दैट प्लीज टेल अस एसटी ओके। सुमन नायक दैट ऑलरेडी टेल यू फॉर एसटी कैंडिडेट 2018 का जो कट ऑफ गया है वो 212 नंबर गया है, कितना बच्चा 212 मार्क्स फॉर एसटी कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन। यस एनीबडी एल्स, जो गर्ल्स है ना एससी एसटी की उनको काफी ज्यादा फायदा होगा गर्ल्स में, क्योंकि एक अलग कोटा आएगा और उनको फायदा बहुत ज्यादा होगा। एंड गाइस प्लीज फिल आउट योर फॉर्म्स, स्टेशन मास्टर राजा पटेल, स्टेशन मास्टर अगर आप बनते मान के चलिए 50+ 50+ ओके डेफिनेटली। गुड नाइट शश्मिता परिदा जी, गुड नाइट। यस एनीबडी एल्स
ओके किरण कुमार बिल्ला ओबीसी का कितना कट ऑफ होगा, 5 से 10 नंबर कम मान लीजिए जनरल से। ओके आपका 28 को है, 3 to 5 PM डेफिनेटली मिलेंगे। यस ईआर वजाहत जी ने बिल्कुल बात सही की है सर कि डोंट होपलेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यस और कोई क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी। वंस अगेन आई विल से दैट ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ होल टेस्ट बुक टीम, पूरी टेस्ट बुक टीम की तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। और बचा कल जाके मचा दो, ठीक है, इतना मुश्किल कर दो दूसरों के लिए सिलेक्शन के लिए कि उनको सोचना पड़ जाए कि पेपर कैसा सेट करना है नेक्स्ट टाइम, फोड़ के आओ पूरा पेपर। गुड नाइट, गुड नाइट। एससी कट ऑफ, यश ब्रो गेमिंग दैट आई टेल यू, यश ब्रो गेमिंग एससी कट ऑफ वॉज 212 इन 2018। मोस्ट वेलकम तिरुपति राव रेड्डी जी। हां गर्दा मचा दो, मैं बोल रहा हूं फोड़ देना पूरा, इतना डिफिकल्ट हो जाए एसएससी जेई को, एसएससी वालों को, कि वो लोग सोचे कि यार हमने क्वेश्चन पेपर इतना बेकार दिया था कि इतना फोड़ कर आ गए बच्चे। ओके हाँ हाँ कल 12 बजे पक्का मिलेंगे। व्हाट अबाउट एसटी कट ऑफ, एसटी कट ऑफ मैंने बताया, एसटी कट ऑफ का मेरे पास डेटा नहीं है सुमन नायक जी, आई डोंट हैव अ डेटा, बट 212 जब एससी का गया है तो समझ लीजिए एसटी का और नीचे होगा। हाँ जी बिल्कुल प्रीति कुमारी जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम यश। अपॉर्चुनिटी बहुत है जीवन में, एसएससी जेई सब बहुत, मैं बता रहा हूं एक जो एग्जाम होता है इसको बिल्कुल जो है बहुत छोटी चीज है आपके लिए, एंड मैं बताता हूं इसको आप उड़ा के आओगे 100% अपना बेस दीजिए। ओके आहा आहा, अरे लोकेश जी, लोकेश जी मैं जो 212 नंबर बता रहा हूं ये फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहा हूं, दैट इज प्रीलिम्स प्लस मेंस बता रहा हूं मैं आपको। ये आप क्या पूछ रहे हैं, अच्छा 200 में से पूछ रहे हैं, 200 में से नहीं बता पाऊंगा लोकेश जी, बट आप मान के चलिए एससी का वही होगा 140 की रेंज में होगा आउट ऑफ 200। आई होप यू गॉट इट लोकेश लोकू जी। हाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, आई होप यू गॉट इट। सुमन नायक, सुमन नायक जी मेरे पास बिल्कुल डेटा नहीं है, मैं आपको कोई एक कोई भी डेटा नहीं दूंगा। ओके 133 देखिए मैंने बोला 140 की रेंज में होगा, यश ब्रो गेमिंग ने बोल रहा है कि एससी का कट ऑफ इट इज 133। नमस्ते नमस्ते एंड विश यू ऑल द बेस्ट रोहित, यश ब्रो गेमिंग वेरी विश यू ऑल द बेस्ट। मनीष कुमार, प्री में कितना नंबर चाहिए, प्री में मनीष जी आपको कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 155 नंबर लेकर आइए, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन द पेपर एज वेल, हो सकता है पेपर काफी डिफिकल्ट आ जाए तो कट ऑफ 155 से हो सकता है और नीचे ड्रॉप हो जाए। हाँ मैं इसलिए ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं ये मैं रिसेंट जो ट्रेंड्स है पेपर्स के वो देख के बता रहा हूं। आई रिपीट वंस अगेन कि गाइस प्लीज रिमेंबर, अगर पेपर टफ आया तो ये कट ऑफ ड्रॉप भी होगी। एमजे पॉल जी 200 क्वेश्चन में इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एटलीस्ट यू शुड करेक्ट ऑलमोस्ट 155 क्वेश्चंस, सो दैट will be the safe limit, you will be in. Negative marking 1/4 होता है, so उसके according कर लीजिए। सुमन नायक जी वेरी गुड नाइट, यस anybody have any queries, yes guys come on be fast, हाँ क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 2 घंटे ले लिए हैं और आज हमने काफी अच्छे से जो है सॉल्व भी किया है पेपर, तो आई होप कि काफी सारे क्वेश्चन आपको वही मिले। तपन सुना जी पास का नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट द कट ऑफ, एंड रिमेंबर वन थिंग आपको 30-30% मिनिमम मार्क्स तो चाहिए होंगे दोनों पेपर्स में, राइट, बट द थिंग इज कि कट ऑफ कितनी जाती है इफ आर फ्रॉम, ओके आप कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से उस पर डिपेंड करेगा। सुमन नायक ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट टेक्स्ट बुक जेई टीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच तिरुपति राव रेड्डी जी मोस्ट वेलकम, एंड आई एम टू टेल यू कि ये जो हो रहा है ना ये सब पूरा काम टेस्ट बुक टीम हैंडल करती है माय डियर, एंड मैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए आप एक, बट लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। ओके कल आना मत भूलना, एससी कैटेगरी तपन सुना जी आई टेल यू एससी कैटेगरी जो अभी एक बजन ने बताया है, मुझे आई थिंक समवन इज टेल आई थिंक वजाहत जी ने बताया 133 कट ऑफ गई आउट ऑफ 200 फॉर प्रीलिम्स, आई होप यू गॉट इट। ओके
हाँ लास्ट टाइम तो 151 गई थी, इस बार आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 155 टू 60 इज अ बेटर ऑप्शन. गुड नाइट आदित्य, एंड गाइज विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द होल टेस्ट बुक टीम. मेरी तरफ से, टेस्ट बुक टीम की तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट. कल जाके फोड़ के आओ पेपर को, एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है दोपहर के 12 बजे एंड शाम को 4 बजे. इफ यू आर फ्रॉम द सेकंड शिफ्ट तो शाम को 4 बजे कॉल करूंगा. आपको नंबर ड्रॉप करना है, ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है ना ऑरेंज स्क्रिप्ट में, इसमें कॉल कीजिए या तो मेल कर दीजिए अपना नंबर support@thetestbook.com पे. ओके यश, तिरुपति, आदित्य, तपन, यश, अजीत, सुमन और जितने भी लोग हैं, प्लीज ड्रॉप योर नंबर्स इन द दिस support@thetestbook.com विथ योर नेम एंड जस्ट मेंशन SST JEE मैकेनिकल. ओके, 1 question 1 mark. एमजे पॉल, आई थिंक आप स्टार्ट कर रहे हो अभी. अंजू राय सर, जनरल के लिए बताइए. जनरल के लिए मेन कट ऑफ जो 2018 का बता रहा हूँ मैं आपको, 2018 जो अभी रिसेंटली हुआ है, डीवी हुआ है, उसका नंबर में रिजल्ट आ रहा है माय डियर. उसके लिए ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था प्रीलिम्स प्लस मेंस 304 पॉइंट समथिंग कुछ था फाइनल. आई होप यू गॉट इट. रीति गुप्ता, हेलो, हेलो गुप्ता जी, यस. एनीबडी एल्स, और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है. यस गाइज, बी फास्ट है, थोड़ा सा जल्दी बताओ. एनीबडी हैव एनी डाउट्स? स्नेहल पटेल, ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? आई एम नॉट गेटिंग स्नेहल पटेल जी. रिति गुप्ता, ओके, नो सर, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू से. सो गाइज, शैल आई टेक अ लीव फ्रॉम यू नाउ? आई थिंक ईच एंड एवरीबडी हैड क्लियर इट्स डाउट, राइट? सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, राइट ना? सो गाइज, नाउ आई टेक अ लीव फ्रॉम यू. चलें फिर. यस, एनीबडी हैव एनी डाउट्स? प्लीज लेट मी नो. ओके, एंड गाइज वंस अगेन आई से प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग योर लाइक बटन. ओके, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एमजे पॉल. Don't forget to subscribe as well as share as well as do hit like button. Vipendra Singh ji, numerical kitne question ban sakte hain? Numerical hardly, mein maine bataya aapko, hardly bahut ho gaya 10%. That is 10 question numerical ho sakte hain. I have doubt. Okay, Ritik Gupta, go ahead. Ritik ji, jaiye, chaliye aage. Ritik Gupta, go ahead. Please tell me your doubt. Yes, please tell me your doubt. Yes, guys. Pratik Gupta, can you tell me your doubt? Yes, tell me. No doubts, I think. I will take leave now. क्या समझा दीजिए, बोलिए ना. रिति गुप्ता जी, क्या समझा दें, बोलिए. अनिल सरोज जी, अगर वेटेज देखा जाएगा, मैंने आपको एनालिसिस किया, आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो 360 डिग्री प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बाय धीरज सर, इसी में मिल जाएगा आपको, इसी टेस्ट बुक चैनल में. आप देखिए वीडियो में जाके प्लेलिस्ट पे, उसे मैंने बताया था कि थर्मल से ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं 30-35 नंबर, पूरा थर्मल फील्ड पकड़ने तो 30 नंबर तो मिल जाने चाहिए कम से कम. 12 नंबर की तो थर्मल साइंस वो आएगी, थर्मोडायनामिक्स. 18 नंबर बाकी में पकड़ लीजिए आप. हाँ, आफ्टरनून में बिल्कुल. आदित्यराज जी, वेरी गुड नाइट. बिल्कुल, कल दोपहर 12 बजे हम लोग एनालिसिस कर रहे होंगे कि पेपर कैसा आया. विपेंद्र सिंह जी, बस 5-10 नंबर कम मान लीजिए आप ओपन कैटेगरी का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. और आप इस पे कट ऑफ पे मत जाइए कि यार वो ठीक है, आप जनरल कैटेगरी, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उतना नंबर लाने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में आपको एडवांटेज मिल जाएगा. एडवांटेज मिल जाएगा ना फिर बाद में आपको कैटेगरी का, बट आप पहले से ही कंसिडर करेंगे कि मैं कैटेगरी में आता हूं तो आई हैव टू टारगेट ओनली दिस वन, ऐसा मत कीजिए. 1.5 वाला मतलब समझा नहीं. रोहित मीना जी, ओके,
1.5 वाला, आई एम नॉट गेटिंग 1.5 वाला, यस गाइज आई रिपीट वंस अगेन, प्लीज फिल द फॉर्म ऑफ SSC JEE मैकेनिकल लाइव कोचिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड। वहां पे अगर आप मुझसे ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं जैसा मैं पढ़ाता हूं यहां पे, तो आपको वहां पे आइए, मैं आपको डेफिनेटली मिलते हैं और वहां पे अच्छा तैयारी करते हैं। ओके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फॉर्म का, प्लीज फिल द फॉर्म, और इस पे चैट बॉक्स में भी आप ऊपर ड्रैग करेंगे विल गेट द लिंक। एनीबडी हैव एनी डाउट्स? यस समझ गए, दैट्स ग्रेट, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ जी ओके, रोहित मीना जी आप कौन सा आंसर बोल रहे हैं, मैं कैसे बता पाऊंगा कौन सा आंसर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आई डोंट। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन। सो जल्दी से जल्दी जाइए, जिनकी क्वेरीज रिलीव वो हो चुकी है, प्लीज प्लीज लीव लीव लीव, विश यू ऑल द बेस्ट। अनिल सरोज जी NCL का भी करा देंगे, डोंट वरी, NCL नहीं है एक्चुअली, वो NLC है, वो NLC निव्याली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, आई होप यू गॉट इट। तिरुपति राव रेड्डी प्लीज गो एंड लीव, एग्जिट मारो यहां से जाके, बस थोड़ा सा खाना वाना खाओ, सो जाओ, कल सुबह जो है मॉर्निंग में अगर आपका पेपर है सो प्लीज प्रिपेयर, और अगर कल पेपर नहीं है तो, अगर आपका पेपर नहीं है कल, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट जो भी आज पढ़ाया है ये PDF इसका अवेलेबल हो जाएगा आपको, डोंट वरी, अभी इसका PDF अपलोड हो जाएगा आज रात में ही, तो PDF जब इसका हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल में, ड्रैग कर लेंगे कि सर ने क्या ऑप्शन बताया था क्या नहीं बताया था। ओके दैट विल बेटर फॉर यू। Anybody have any questions? Yes, guys, please tell me. Yes. Good night, everybody, good night. Riti Gupta ji, 10th class abhi nahi chalu kiya test book ne, but definitely aane wale dino mein we'll plan and we'll do it. Bilkul aise hi karenge, padhayenge. Aane wale dino mein abhi koi plan nahi hai. Abhi plan in the sense, अभी कोई क्लासेस अवेलेबल नहीं है, विल प्लान एंड वंस वी प्लान विल इंप्लीमेंट, हम उसको इंप्लीमेंट भी कर देंगे, डोंट वरी। ओके राइट नाउ अभी कोई क्लासेस नहीं चलती 10th की, बल इसको आने वाले दिनों में प्लान करेंगे एंड देन वी कैन इंप्लीमेंट, राइट? यस, सो पीपल आर लीविंग राइट नाउ, इट्स ग्रेट टू सी दैट दे आर लीविंग विथ अ हैप्पी मूड, एंड गाइज प्लीज डू योर बेस्ट, जो भी सुन रहे हैं वो अपना बेस्ट देंगे एंड दे विल स्कोर अ रैंक और अल्पमत में आएंगे, ठीक है? फाइनल लिस्ट दैट इज जो अल्पमत की होती है उसमें अल्पमत में आना है सबको, सो उसके लिए फ्रॉम द होल टेस्ट बुक टीम विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। सो गाइज नाउ आई लीव, ओके चलते हैं फिर, सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शब खैर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू से वॉट, थैंक यू सो मच फॉर सच अ इंटरेक्टिव सेशन, आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई करा, यू हैव परफॉर्म वेरी वेल, जो भी मेरा एक वो है आपके प्रति परसेप्शन, और ऐसी अटैचमेंट बनाई रखिए इस चैनल के साथ में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू विल गेट अ लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम द टेस्ट बुक गेट, राइट? बिकॉज ईच एंड एवरी वीडियो विच इज अवेलेबल इन द टेस्ट बुक गेट इज वेरी, कहीं ना कहीं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके नजरिए से, राइट? और ऐसा मुझे भी फील होता है, सो गाइज प्लीज डू इट, ओके एंड यस एनीबडी हैव नो क्वेरीज ना, ओके गुड। सो गाइज जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, थैंक यू वंस अगेन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, Stay online with the facebook.com and most important, कल दोपहर को 12 बजे एंड शाम को 4 बजे मॉर्निंग सेशन का एनालिसिस, दोपहर को 12 बजे उसका, शाम को 4 बजे। सो गाइज विल सी यू द नेक्स्ट डे, टेक केयर, बाय बाय, शब खैर, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एज वेल एज फ्रॉम माई होल टीम ऑफ textbook.com, ओके सो टेक केयर, बाय बाय, शब खैर।